हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। स्वागत है आप सभी का क्रेजी फॉर फिजिक्स में। तो भाई आज का जो लेक्चर है वो है पॉलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 10, यानी कि पूरा फुल जो एनसीईआरटी के जो भी एक्सरसाइज है उसको एनालाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट को पूरा सीखेंगे, आज जानेंगे, पहचानेंगे और परखेंगे, ताकि हम इसको यूज कर सके जो भी हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, ठीक है उसमें। तो बच्चों ये जो वीडियो है इसमें मैं बहुत बड़ा ये एक्चुअली में इसके अंदर मैं सारे पार्ट कवर करने जा रहा हूँ। इसके अंदर जो होगा आपकी एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्लस में जो पीवाईक्यूज क्वेश्चन है वो सब हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। ये जो वीडियो है दोनों जो बच्चे हैं यानी जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स लेंगे या जो बेसिक जो एडवांस जो बेसिक मैथ्स लेके बैठे हुए हैं या जो लेने वाले हैं आगे जाके जो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में से कोई एक मैथ्स अगर वो कोई ले रहे हैं तो दोनों बच्चों के लिए वीडियो यूजफुल है। तो पहले हम करेंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट, फिर हम एडवांस तक जाएंगे। हालांकि मैं इससे पहले वाले लेक्चर में भी ऑलरेडी बता चुका हूं कि बेसिक और स्टैंडर्ड जैसा कुछ नहीं होता है, ये बस आपको बरगलाया गया है, बहकाया जाता है, तो इसमें कोई इतना बड़ा खासम खास डिफरेंस नहीं होता है। तो देखो चाहे बेसिक वाले बच्चे हो जिन्होंने बेसिक मैथ्स ले रखी हो या जो स्टैंडर्ड मैथ्स लेके बैठे पड़े बच्चे या जो लेंगे आगे जाके, तो दोनों के लिए एक बात मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि आपको पढ़ना सब कुछ है बेटा, पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा ही, बिना पढ़े तो कुछ होने वाला नहीं है। और हाथ पात रख के सोचोगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, ये कतई नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अच्छा, कुछ बच्चों का सवाल हमेशा ये भी रहता है कि सर हम कैसे पढ़ाई करें, यानी क्या करें ताकि हमारे मैथ्स में अच्छे मार्क्स हो जाए, आ जाए, हमारी मैथ्स इंप्रूव हो जाए। तो बच्चों इसके लिए मैं सिंपल से एक बात बताना चाहता हूँ, जो बच्चे केवल पेपर के लिए पढ़ना चाहते हैं, जो सिर्फ मार्क्स अचीव करना चाहते हैं बस बस ओनली, तो उनके लिए रामबाड़ ये है कि आप एनसीईआरटी उसके एग्जाम्पल सारे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, यस जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वो और पीवाईक्यूज, ये तीन सोर्स कर ले तो आपके 75 से 80 के बीच में नंबर आ जाएंगे। जी हाँ, यानी पूरे 80 भी आ सकते हैं। और जो मैथ्स को फील करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से मैथ्स को जीना चाहते हैं, ठीक है ना, ये मैथ्स लवर वालों के लिए है ये बात, क्योंकि 10th क्लास तक तो आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी बेटा, ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैथ्स तो 10th तक होती होती है, तो आप इसको डिनाई निकार नहीं सकते। तो कुछ बच्चे बहुत ही वीक होते हैं लेकिन फिर भी वो मैथ्स में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो बस वो तीन चीज नियमित रूप से बार बार करते जाएं, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी। इसके अलावा कुछ मत छूना, आरडी शर्मा वगैरह कुछ मत करना, आरएस अग्रवाल कुछ मत करना, ठीक है, कोई सैंपल पेपर लास्ट में बना लेना, बेसक से 4-5 सॉल्व कर लेना। अदरवाइज तीन सोर्स जो मैंने बताए हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज, इस पे फोकस कर लो, 75 से लेके 80 के बीच में आपके नंबर आ जाएंगे, मतलब पूरे 80 भी आ सकते हैं, 20 नंबर आपको स्कूल में मिल जाएंगे अगर यहाँ पे आपने कंसिस्टेंसी बना ली है और आप कॉन्टिन्यूस रेगुलर हो तो वहां पे भी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो जो बच्चे मैथ्स जीना चाहते हैं उनके लिए मैं बुक्स रेफर कर देता हूँ, आरडी शर्मा जैसी किताबें जरूर करना सॉल्व, एक एक क्वेश्चन करना उसके, ठीक है, हालांकि आरडी शर्मा भी अब थोड़ी सी उसमें क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं बाय द टाइम देखा जा रहा है, तो यानी जो पुरानी आरडी शर्मा होती थी वो मुझे काफी बेटर लगती थी। लेकिन ध्यान रखना कि भाई जो रेशनलाइज सिलेबस है उसके बियॉन्ड अगर आप हटके पढ़ना चाहते तो आरडी शर्मा भी जरूर सॉल्व करना, लेकिन मैथ्स अगर आपको रियली में सर्वाइव कर जीनी आपको आप उसके अंदर सर्वाइव करना चाहते हो, ठीक है, मतलब उसको लिव करना चाहते हो, ठीक है, उसको पूरी तरह से फील करना चाहते हो, तो वेरियस काइंड ऑफ बुक्स हैं, आप मोटी मोटी किताबें उठा के पढ़ सकते हो, ठीक है, नो इश्यू। हाँ, अदरवाइज एग्जाम के लिए जो मैं बुक्स जो एग्जाम के लिए जो तरीका मैं बता रहा हूँ सिर्फ आप उसको फॉलो करो, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज। तो आज का लेक्चर हमारा क्या है भाई, आज का लेक्चर है पॉलीनोमियल क्लास 10 फुल चैप्टर एनालिसिस होगा इसका, यानी कि एग्जाम्पलर की बुक भी हम सॉल्व करेंगे आज ही, ठीक है, इसी लेक्चर के अंदर। तो चलिए काफी शानदार होने वाला है। हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केस स्टडी थोड़ा सा आपको करना पड़ सकता है लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन मैं कराऊंगा इससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स डू इट। तो भाई सबसे पहले तो हम करेंगे पॉलीनोमियल की बात, क्या करेंगे हम, पॉलीनोमियल होता क्या है, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज अ पॉलीनोमियल। तो बेटा थोड़ा मैथमेटिकल समझेंगे, ठीक है, मान लो मेरे पास कोई भी फंक्शन है इस तरीके का, जैसे a x की पावर 5 प्लस a x की b x की पावर 4 c x की पावर 3 d x स्क्वायर, ठीक है,
और इसी प्रकार आप लेट कर लो क्या कहते हैं एक्स प्लस में एक्स की पावर जीरो, ठीक है। इसको हम ऐसे लेट करते हैं, ए बी उल्टा लेट करते हैं, सी डी ई एफ, ओके। इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब देखो यहां पे, या यहीं से ये लेट कर लेते हैं, ऐसे कर लेते भाई, ए बी सी डी ई एफ ऐसे लेट करते। तो कोई भी अगर पॉलिनोमियल, ये मैंने एक जनरल फॉर्म लिखा है यानी डिग्री 5 तक, अगर आपको पॉलिनोमियल डिफाइन करना है तो भाई ये बात याद रखना, वेरिएबल वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए अगर किसी भी फंक्शन को आप पॉलिनोमियल बोल रहे हो। सो पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन और इक्वेशन, वैसे फंक्शन ही होता है पॉलिनोमियल, तो इक्वेशन भी पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है। तो पॉलिनोमियल एक फंक्शन है या इक्वेशन है, क्या ये फंक्शन, इसे हम बोल रहे हैं फंक्शन। फंक्शन एक्चुअली में वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो वाई की टर्म में भी फंक्शन हो सकता है, एक्स की टर्म में हो सकता है, जेड की टर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर, कोई भी अगर पॉलिनोमियल आप डिफाइन कर रहे हो तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। ध्यान रखना, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके होता है, ठीक है। तो पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 4y की पावर 3 जेड स्क्वायर प्लस 2z + 4। तो देखो आप इसमें हर एक केस में जो वेरिएबल की पावर है यानी z की पावर, ये एक होल नंबर है, तो ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अब इसी प्रकार टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है। अब इसको हम डिफाइन करते हैं दो तरीके से, पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहली बात लीनियर पॉलिनोमियल, क्या बात करेंगे हम इसको, हम लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में होता है डिग्री 1, यानी डिग्री क्या होता है, डिग्री का मतलब बच्चों होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। सो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की, दैट इज द डिग्री, ओके, दैट इज द डिग्री। जैसे यहां पे डिग्री कितनी है, 2, यहां पे डिग्री 3 है, यहां पे डिग्री 2 है, यहां पे डिग्री 3 है, और यहां पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करता हूं इस वाले में, ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है, यहां पे हाईएस्ट पावर कितनी 5 है, तो इसकी डिग्री 5 हो जाएगी। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। हमें तो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री 1 होती है, एन का मतलब डिग्री, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका एक जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो यहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू यहां पे 0 नहीं हो सकती, x भी यहां पे x की पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है, इसकी पावर 1 है। फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू x या fx इक्वल टू x प्लस 1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल टू 2x माइनस 3, ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा बच्चों आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें यही पढ़ना है भाई, हमें इस पूरे चैप्टर में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है, इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। फिलहाल अभी इसकी हम बात करते हैं, एन इक्वल टू 2, इसमें डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, और इसका जो जनरल फॉर्म होता है भाई वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल भाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 4, 6x स्क्वायर माइनस 3x, ये सारे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलिए
अगर हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होती है उतनी क्या होती है, जीरोस, नंबर ऑफ जीरो भी होती है। डिग्री बराबर नंबर ऑफ जीरोस। जीरोस की हम बाद में बात करेंगे, वी विल सी इट। ओके, तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे ये तो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बात करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होती है भाई, डिग्री 3 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिग्री। इसका जनरल फॉर्म है ax की पावर 4, ठीक है, सॉरी 3, bx की पावर क्यूब, cx स्क्वायर प्लस dx और प्लस b। ये होगा ना, ax क्यूब bx, उल्टा कर दिया, ax क्यूब bx स्क्वायर cx और प्लस d, राइट। इस तरीके से होगा, a शुड नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके, तीसरा भाई, तीसरा यहाँ पे हमारे पास, इसे हम बोलते हैं डबल क्वाड्रेटिक, डबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें जो डिग्री होती है बच्चों वो क्या होती है, 4 होती है, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे जो फंक्शन हो जाएगा ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस में सी, ठीक है, प्लस में। तो अगेन ए यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देखो इस तरीके का एक पॉलिनोमियल और ये सेकेंड जो है, ठीक है, ये दो तरह के पॉलिनोमियल हम क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद पॉलिनोमियल तो है, तो ये सारे इसके बाद 5, 6, 7 कितना भी हो सकता है भाई, डिग्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितनी डिग्री होती है लगभग उतने के बराबर जीरो हो सकते हैं, मैक्सिमम जीरो, वहां पे जितनी डिग्री होती है तो मैक्सिमम जीरो उतनी डिग्री के बराबर हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऐसे बच्चों दूसरी जो कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, उसके बेसिस पे भी हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात करें, ठीक है, दूसरा जो कैटेगरी है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के आधार पे जो पॉलिनोमियल है इसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा था मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब क्या होता है, सिंगल टर्म, कितनी टर्म हो उसके अंदर, केवल एक टर्म हो, ठीक है। जैसे x हो गया, y हो गया, 3x हो गया, 4 हो गया, 6x स्क्वायर हो गया, ठीक है, या 7z क्यूब हो गया, इन सब में एक एक टर्म है, सिंगल सिंगल टर्म है, तो ये सारे क्या है, केवल मोनोमियल हो गया। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितने टर्म्स होती है बेटा, 2 टर्म्स होती है। टर्म्स जानते हो ना, प्लस माइनस से कितनी बार वो सेपरेट है, राइट। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 14x, एक्स क्यूब माइनस 2x, एक्स प्लस वाई, जेड स्क्वायर प्लस 2, इन सब में दो दो टर्म आपको दिख रही है, ये सारे क्या है, बाइनोमियल हो जाएगा। ऐसी बच्चों ट्राइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल में क्या आएगा भाई, 3 टर्म्स होते हैं, कितने टर्म्स हो जाएगी, 3 टर्म्स हो जाएगी। जैसे एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x प्लस वाई प्लस जेड, इन सब में 3-3 टर्म दिख रही है आपको, ये सारे क्या है, ट्राइनोमियल हो जाएगा। चलिए ये तो बात होगी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। अब जरा बात करते हैं जीरोस की, जीरोस की और डिग्री की बात करेंगे। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है। देखो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि एक्स की वो वैल्यू जिस पे जो फंक्शन हमारे पास गिवन है वो जीरो हो जाए, यानी गिवन वेरिएबल के लिए जो फंक्शन है वो जीरो हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसकी जो ज्योमेट्री है, जो ग्राफ है, जब उसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, और डिपेंड करता है कि वेरिएबल एक्स पे डिपेंड कर, जो फंक्शन है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है या वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे हमारे पास मान लो एक्स इक्वल टू, मेरे पास कोई भी के की वैल्यू गिवन दे रखी है, तो यहां पे जो एक्स इक्वल टू के पे जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स इक्वल टू के पे फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस में 4, ठीक है, इस तरीके से है मेरे पास,
और मेरे को बोल दे कि भाई x इक्वल टू माइनस टू इसका जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, f की वैल्यू अगर मैं माइनस टू यानी x की जगह अगर माइनस टू पुट करता हूं तो इस केस में जो पूरा फंक्शन है जीरो के बराबर हो जाएगा। सो टू इंटू में माइनस टू प्लस फोर, सो माइनस फोर प्लस फोर क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब माइनस टू इसका क्या है, जीरो है। तो भाई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्चुअली में वो x की वैल्यू होती है, ठीक है, इसे हम जीरोस बोलते हैं, या इसे हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी आप इसको बोल सकते हो, आप इसे लोअर क्लास में पढ़ते आ रहे हो। ओके चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये जीरोस हो गया, अभी हम इसको दोबारा आएंगे इन सब पे, अभी हम दोबारा इन सब पे आएंगे। तो हमें पढ़ना क्या है इस पूरे चैप्टर के अंदर, जो आपको पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हालांकि नाम चैप्टर का पॉलिनोमियल है लेकिन सिलेबस में पूरा जो भी डिस्कशन है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर है, ठीक है। तो जो हमारा पूरा फोकस रहेगा बच्चों वो रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। अभी तक जो भी मैंने बताया है ये सब आपने लोअर क्लास में पढ़ चुका है और एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं पूछने वाले, यहां से आपका मेन कॉन्सेप्ट है, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट यू हैव टू एब्जॉर्ब, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट यहां पे ये है। चलिए, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, जिसकी डिग्री क्या हो, टू हो। एक ऐसा फंक्शन जिसमें, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। इसके जनरल फॉर्म में बच्चों ऐसे होती है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका जनरल फॉर्म है भाई, ये इसका क्या है, जनरल फॉर्म है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, अभी बताऊंगा इसका भी मतलब क्या है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए यहां पे जो a है, a दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो b है बच्चों यहां पे ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और c को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है, या कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। ओके ये थोड़ी बातें ध्यान रखना। अब देखो बच्चों ये जो x स्क्वायर है ना ये वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, c यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये कोफिशिएंट का खेला समझना है आपको, ठीक है, क्योंकि यही खेला जो है इसी से बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, क्योंकि भाई ये जो कोफिशिएंट बच्चे क्या होते हैं x स्क्वायर x के साथ यूज करते हैं, तो कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि भाई जो वेरिएबल है ना उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, वट एवर इट्स साइन, साइन के साथ, साइन के साथ जो भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, बचा क्या इसके साथ जो मल्टीप्लाई में माइनस थ्री, तो माइनस थ्री यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, ये बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपको इतना पता है। वैसे तो यहां पे एक्स का कोफिशियंट कितना है बेटा, फोर है, एक्स का कोफिशियंट कितना यहां पे, फोर दे रखा है। तो भाई ये सी एब्सोल्यूट टर्म है, जैसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म बोलते हैं। ओके चलिए, अब ये वाली इक्वेशन जो मैंने सेकंड लिखी है इसको हम बोलते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको हम, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म। अब ये अल्फा है, ये बीटा है, और एक और मैंने यहां पे वेरिएबल यूज किया गामा, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा इसे हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्या बोलोगे, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल बोलोगे। तो यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे। याद रखना जितनी डिग्री होती है एक पॉलिनोमियल की उतनी ही मैक्सिमम जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम तो भाई जीरो भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर पॉलिनोमियल का जीरो एग्जिस्ट करता है, नहीं, हर पॉलिनोमियल का जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है, ध्यान रखना। कुछ पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं जिनका जीरो कतई एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसके अगर जीरोस होंगे तो जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी ही उसकी जीरोस हो सकती है मैक्सिमम, उससे ज्यादा उसकी जीरोस आप फाइंड नहीं कर सकते। जीरोस का मतलब ये होता है कि ये जो यहाँ पे अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा, ठीक है, यानी कहाँ कहाँ पे एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू जीरो हो रही है इस फंक्शन की, उसे हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। वी विल डिस्कस इट, ठीक है, डिटेल में करेंगे इसको डिस्कस बेटा, अभी कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज
कॉन्सेप्ट जो है यही सारी जड़ है, यानी सारी फसाद है सारे क्वेश्चनों की, ठीक है। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी, कॉन्सेप्ट इज द पावर। ओके चलो अब बढ़ते हैं आगे। अल्फा बीटा इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोल दिया बेटा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, फैक्टराइज फॉर्म हो गया। क्या हो गया, फैक्टराइज। अगर ये अच्छा, ये आपको x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अल्फा बीटा का मतलब x की दो वैल्यूज होगी, अल्फा और बीटा, आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बात करेंगे इसकी जरा, एक एग्जांपल ले लेते हैं साथ साथ, ताकि कुछ बातें समझ आ जाए। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और प्लस सिक्स, अगर आप इसका फैक्टराइज करो, फैक्टराइज कैसे करोगे, मिडल स्प्लिट टर्म से करोगे, ठीक है। अब मिडल स्प्लिट टर्म भी निकालनी आनी चाहिए, तो देखो मिडल स्प्लिट टर्म निकालने के लिए आपको सिंपल एसी निकालना पड़ता है। पहले क्या निकालना पड़ता है, एसी, जिन बच्चों को नहीं आता है वो सीख लो। एसी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ए यहाँ पे क्या है वन है और सी यहाँ पे कितना है सिक्स है। इससे कंपेयर करो बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a वन और c यहाँ पे सिक्स, तो ac निकालोगे, यानी वन और सिक्स को क्या करोगे पहले इंटू करोगे, कितना आ गया छह आ गया, है ना। यानी कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर और जो कॉन्स्टेंट टर्म है पहले इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। कई बार बोलते हैं लास्ट और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, अगर आप इसको इस तरीके से अरेंज करोगे तो आपको पहले इसको वेरिएबल के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, तब आप कहोगे लास्ट और फर्स्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो भाई छह कम छह हो गया। अब ऐसी दो संख्याएं सोचो, ठीक है, जिनको गुणा करने पर छह आ जाए, यानी छह किस किस के टेबल में आता है भाई, दो और तीन के टेबल में छह आता है, दो तिया कितना होता है छह होता है। बीच में मिडल का मतलब, क्योंकि हम मिडल को स्प्लिट कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, मिडल स्प्लिट टर्म, इसको दूसरी भाषा में फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। सो मिडल स्प्लिट टर्म 5x का आप क्या करोगे, मिडल स्प्लिट करोगे, तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस टू माइनस थ्री, तभी तो माइनस फाइव आएगा, है ना, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, तो भाई माइनस टू एक्स ये माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, 5x का ये स्प्लिट हो गया बेटा। पहला और तीसरा टर्म में कोई चेंजेस नहीं होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म में कोई चेंज नहीं होगा, केवल मिडल वाली टर्म को ही हम स्प्लिट करते हैं। हालांकि मिडल स्प्लिट, जो मिडल वाली टर्म है उसको हम स्प्लिट कैसे करें, उसमें कौन कौन से नंबर यूज करें, उसके लिए हमें क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है। अब बेटा ये लाइन याद रखना, पहले दो और आखिरी दो, ये लाइन याद रखनी आपको, पहले दो और आखिरी दो, फर्स्ट टू और लास्ट टू टर्म, जितना आप कॉमन निकाल सकते हो कॉमन निकाल लेना, जितना भी कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालना जानते ना बेटा, फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x कॉमन आएगा, x तो हमेशा ही आने वाला है, पहली टर्म पहली दो टर्म में x हमेशा कॉमन आता है, तो यहां से x कॉमन आ गया बेटा, यहां क्या बचा x बचा, यहां क्या बचा दो बचा, यहां से मैक्सिमम कॉमन क्या रहा है, साइन के साथ निकाल लेना, माइनस थ्री है ना तो साइन के साथ निकाल लेना, माइनस थ्री तीन दोनी छह होता है बेटा, माइनस दो और x, तो भाई जो ब्रैकेट में टर्म है इसको हम फर्दर कॉमन निकाल लेंगे, या इसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट वाले टर्म को लिख लो, बचा क्या यहां पे x और माइनस थ्री को दूसरे ब्रैकेट में डाल दो। तो बेटा ये तो हो गया मिडल स्प्लिट टर्म, यानी कि फैक्टराइजेशन। क्या हो गया ये, फैक्टराइजेशन। अब बारी आती है इसके जीरोस की। अब इसका जीरोस क्या होगा, जीरोस का मतलब एक बार x माइनस टू को जीरो पुट करोगे बेटा, इसको जीरो पुट करोगे, और एक बार x माइनस थ्री को जीरो पुट करोगे। सो इसको आप क्या कह दोगे, अल्फा इक्वल टू टू, और यहां पे बीटा कितना आ जाएगा थ्री, टू वहां जाके प्लस हो जाएगा, थ्री भी वहां जाके प्लस, तो अल्फा बीटा आ गया टू थ्री, मतलब जो यहाँ पे x के दो वैल्यू आएगी वो दोनों वैल्यू अल्फा और बीटा होगी, ठीक है, यही अल्फा बीटा है बच्चों, ठीक है। तो ये होगी जीरोस की बात। अभी हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी पढ़ेंगे कि होता क्या है, इसका ग्राफ भी बनाएंगे, वो क्या होता है वो भी हम देखेंगे अभी। फिलहाल अभी और थोड़ी चर्चा है, इन दोनों में और कॉफिशेंट में रिलेशन है, ये आपको याद रखना है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन कॉफिशेंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेटा बात कर, ठीक है। तो सबसे पहला है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, बेटा ये होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है और ये एक्स का कॉफिशेंट है, ठीक है, इतनी सी भाषा याद रखनी है आपको, ये x स्क्वायर का कॉफिशियंट और ये
एक्स का कॉफिशियंट है। अच्छा इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो ये तो हमारा फैक्टराइज हो चुका है, ठीक है वेरीफाई करते चलो इसको। यानी कि इसका अगर मैं एग्जांपल लूं, ये ए पार्ट है सपोज बेटा, ए पार्ट है, अगर मैं इसका एग्जांपल दिखाऊं आपको तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा हमारे पास दो आ रहा है, बीटा यहाँ पे तीन आ रहा है, सो दो प्लस तीन कितना हो गया पांच। अच्छा हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस, ये थी हमारे पास फंक्शन। ओके अब माइनस बी अपॉन ए करना है, बी कितना है यहाँ पे, बी कितना है बेटा साइन के साथ लेना है, एक्स का कॉफिशियंट बी कितना है यहाँ पे एक्स का, माइनस फाइव हो गया बी, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में बेटा माइनस माइनस फाइव और अपॉन में ए, ए कितना है यहाँ पे वन है, तो कितना आ गया फाइव। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों बराबर आ रहे हैं, देखो जरा दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यानी कि यस तो अल्फा प्लस बीटा दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यानी सम ऑफ जीरो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। बेटा इसी का दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या बताओगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा एग्जांपल के तौर पे, यानी यही एग्जांपल लेंगे बेटा, दो तीन को गुणा करो पहले, दो तिया छह हो जाएगा ना छह, अब निकालो सी अपॉन ए, बेटा सी कितना है यहाँ पे छे और ए कितना है पे वन, तो सिक्स बाई वन कितना आ गया भाई ये सिक्स आ गया, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं गुरुजी, बिल्कुल आ रहा है सर, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पे जो रिलेशन है कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में, एक तो होता है सम ऑफ जीरोस और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए। बेटा ये दो बात इतनी इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चनों में यूज होने वाले हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट, सीधे क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। और अल्फा बीटा क्या यहाँ पे रूट्स ऑफ जीरोस है या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल है या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। चलिए अब थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाते हैं इसको, चलिए ये तो सही है सर, तो देखो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है ये इसका फैक्टराइज फॉर्म हो गया, ये क्या है इसका फैक्टराइज फॉर्म हो गया, ठीक है ये इसका फैक्टराइज फॉर्म हो गया। ओके के टाइम्स होता है, के कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है इसको भी हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं इसके, अभी थोड़ी सी और बातें इसके अंदर, ये तो हो गई आपकी जीरोस और उससे रिलेटेड, अब इसमें एक आती है अगर आपको जीरो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना, यानी क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम गिवन जीरोस अल्फा बीटा, अगर मान लो आपको ऑलरेडी जीरोस गिवन है, याद रखा है ऑलरेडी आपको जीरो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कि भाई जीरो दे दिया आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी, तब यहां पे आपके पास जो फॉर्मूला बनता है बच्चा वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बेटा ये फॉर्मूला है, ये क्या है यहां पे फॉर्मूला। अच्छा यहां पे k की टर्म भी आती है, ठीक है k की टर्म भी आती है, ठीक है ये पूरा फॉर्मूला है, k यहां पे कोई भी जो डिवाइड में आ जाता है 1/2 1/4 इस तरीके से, तो एलसीएम लेके आप इसे सॉल्व करके k लिख सकते हो। मैं इसका बताता हूं एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज 1/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बच्चों दे रखा है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दे रखा है 1 दे रखा है, और मुझे बताने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा भाई, ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस के हटा दो फिलहाल, के हटा दो सिंपल, अच्छा के हटा दो, के की जरूरत नहीं फिलहाल, ऐसी रहने दो उसको, तो यहां पे ऐसी रहने दो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/2x और प्लस में क्या आ जाएगा 1, ठीक है ऐसे लेट करेंगे। बेटा जो 2 आएगा ना यही के को हम बोल देते हैं, इसी को हम के बोल देते हैं, वो इसलिए मैंने उसमें के दिखा दिया था, हालांकि जरूरत नहीं है वैसे, ऐसा आप देख लो। तो यहां पे क्या करोगे, यहां पे जितना एलसीएम आएगा, क्या एलसीएम आएगा 1 2 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, तो हर एक को आप 2 से इंटू कर दो, अब जब 2 से इंटू करोगे तो बेटा 2 से डिवाइड भी करोगे, है ना 2 × 1/2x प्लस 2 × 1, तो क्या आ जाएगा 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा बेटा 2x² माइनस एक्स प्लस में 2 और बाहर आ जाएगा 1/2। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द गिवन जीरोस। अच्छा डोंट वरी, वी विल डू अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस भाई, पूरा चैप्टर का एनालाइज करेंगे,
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे, अभी तो एनसीईआरटी करेंगे फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जरा, अभी तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं बेटा, अभी तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं बस ओनली, ठीक है। अब बात करते हैं जरा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, यानी इसका ज्योमेट्रिकल जो यहाँ पे फॉर्म है उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए अब हम इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो एफ एक्स हो गया हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल का मतलब बेटा ग्राफ, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब इसका ग्राफ की बात करें, इसका कर्व कैसा होगा, नेचर क्या होगा। बेटा एक तो ये फॉर्म है मेरे पास और एक फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूं एफ वाई इक्वल टू ए एक्स ए वाई स्क्वायर प्लस में ए वाई प्लस में सी। देखो यहां पे मैंने दो फॉर्म लिखे, एक वाई की लिखी है और एक एक्स की लिखी है। देखिए इसका जो ग्राफ होता है, ठीक है, ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है। क्या होता है ग्राफ, पैराबोलिक। अगर लेट कर लो ए की वैल्यू लेस देन जीरो है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो ग्राफ बच्चों ऐसे बनेगा, ठीक है। सेम ऐसे इसके अंदर भी होगा, ठीक है। अब ये ग्राफ बनेगा कैसे, लेट सी इसका देखते हैं जरा। ये हमारे पास कोई भी एक्स और वाई है, ठीक है। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। जब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो यहाँ पे पावर टू है तो इसके दो जीरो होंगे, तो इसका मतलब ये जो है ये ग्राफ को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका ग्राफ बच्चों या तो फिर ऐसे होगा, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है ए इज ग्रेटर देन जीरो है तो इसका ग्राफ ऐसा पैराबोलिक होगा। और यहाँ पे देख रहे हो यही अल्फा और बीटा की वैल्यू, यही अल्फा है यही बीटा है बच्चों, ठीक है ना, यही अल्फा यही बीटा है। और अल्फा बीटा अगर आप निकाल लो तो यहां से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हो बेटा। इसी प्रकार ये ग्राफ ऐसे हो सकता है एक्स वाई, अच्छा दिस वाई इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा एफ एक्स को हम वाई कह रहे हैं, ठीक है ना, यही एफ एक्स वाई है और इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं। ये ध्यान रखना जब एक्स की टर्म में तो ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा और y की टर्म में तो ग्राफ y को काटेगा। We will draw the y also। अभी देखो जरा y का भी हम draw करेंगे। आगे देखो। अगर ये मान लो a is less than zero है, तो ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? इस तरीके से ग्राफ बनेगा ये। ठीक है? यहाँ पे भी ये क्या बेटा? x और y की वैल्यू। ये भी क्या है? अल्फा और बीटा, सॉरी। ये भी अल्फा बीटा की वैल्यू है। ठीक है? ये हो गया ओपन अप, ठीक है, और ये ओपन डाउन हो गया। इसे हम बोलते हैं पैराबोला। इसका ग्राफ कैसा बनता है बेटा? पैराबोलिक बनता है, पैराबोला बनता है। ये पैराबोला होता है, ठीक है ना, ये पैराबोला है, ठीक है, ये पैराबोला होता है। ऐसे इलिप्स होता है और इसी प्रकार बेटा हाइपरबोला भी होता है, हाइपरबोला ऐसे बन जाता है। ओके चलिए अब इसकी बात करते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर जी, इसका ग्राफ बता दो हमें एक्स वाई। तो भाई ये हो गया इस तरीके से। ये कब बनेगा? जब ए इज लेस देन जीरो होगा, ठीक है। इसी प्रकार बेटा इसका ग्राफ ऐसे बनेगा जब ये a is greater than zero होगा, ठीक है, x और y, x y, और देखो ये x equal to क्या है, f y है, बेटा ये x equal to f y है। तो यानी जब यहाँ पे y की टर्म में आपकी इक्वेशन है तो ग्राफ कहाँ पे कटेगा? y एक्सिस को काटेगा। कहाँ पे काटेगा इसको? y एक्सिस पे आपके अल्फा बीटा लाई करेंगे। अल्फा बीटा क्या है बेटा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो भाई जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ क्या बनता है? एक तरह से पैराबोलिक बनता है। तो भाई ये ग्राफ है पूरा का पूरा, ये कोफिशिएंट देख लेना a पॉजिटिव, भाई जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, तो इन दैट केस से ग्राफ अप होगा, ठीक है, और ये अगर नेगेटिव है ये वाला तो ये डाउन हो जाएगा। ओके तो ये बातें आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। चलिए ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और ग्राफ कैसा होता है इसका? पैराबोलिक होता है। बेटा ये जो x एक्सिस को काट रहे हैं y एक्सिस की अल्फा बीटा की वैल्यू है। अभी थोड़ा सा और इंटरप्रेट करेंगे, अभी हम इसको थोड़ा सा और सीखते हैं ग्राफ के बारे में। जरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए ना एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारे कॉन्सेप्ट की जो कुंजी है आज आपके मैं सामने रखूंगा, ठीक है, इसकी पूरी जन्म कुंडली खोल के रख दूंगा, ठीक है, सारा का सारा जो भी लेखा चिट्ठा है, ठीक है, पटवारी से लिखवा के लाया हूं भाई आज, ठीक है, पूरी की पूरी इसकी जन्म कुंडली, इसके पूरे कुल वगैरह सब निकाल के लाया हूं और आपके सामने रख रहा हूं, लेखा चिट्ठा सारा आपके सामने, सिर्फ आपके लिए लाया हूं बच्चा। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है बेटा, इसी बात पे एक सब्सक्राइब बनता है बेटा, सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बेटा,
अब आगे क्या होगा इसका, देखिए अगर मान लो मेरे पास ये फंक्शन इस तरीके से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब y इक्वल टू fx है, सिंपल सी बात है भाई, यो बात है ठीक है। सपोज अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है मेरे पास, कोई भी एक नॉर्मल सा फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है। अब ये देखो ये x है ये y है ठीक है, इस तरीके से काट सकता है ये ठीक है, और ये इसको ऐसे भी काट सकता है, ये इसको ऐसे भी काट सकता है, ये इसको ऐसे भी बना सकता है ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। तो बच्चों ध्यान रखना थोड़ा इस बात पे, जरा गौर फरमाना, जरा क्या करना गौर फरमाना कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। देखिए यहां पे इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है। अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है ग्राफ से, ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोज। तो ये देखो ये जो ग्राफ है यहाँ पे जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है, केवल एक बार काट रही है। अच्छा कितनी बार काट रही है, एक बार। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, वन। यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक दो तीन, तीन बार। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, थ्री हो गया। ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी नहीं काट रहा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, जीरो, एक भी जीरो नहीं होगा। ये भी एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है बेटा, वाई एक्सिस को काट रहा है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, जीरो। बेटा इस केस में भी ये x को कहीं नहीं काट रहा तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ओके तो भाई ये है कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग और रिलेशन जो था ठीक है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज में। अब हम करेंगे एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2.1 और 2.2, बहुत जल्दी हो जाएगा। पहले एनसीईआरटी करेंगे, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल करेंगे, फिर पीवाईक्यूज करेंगे। ओके तो ये तीन फेज है हमारे पास, तो चलिए करते हैं अब जरा क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम। सो बच्चों एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही चिंदी भर के एक्सरसाइज है और आपको जस्ट 5 सेकंड भी लगेंगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, y इक्वल टू एफ एक्स है, अभी फिलहाल इसको समझना, इसको मैं एक और बार दोबारा समझाऊंगा इसी क्वेश्चन को। y इक्वल टू एफ एक्स है, इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे इसका मतलब है कि हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं, अगर एफ एक्स है तो यहाँ पे आपको देखना है कि x एक्सिस को ये कितनी बार काट रहा है, और अगर यहाँ पे y होता x की जगह तो आपको देखना पड़ता है कि ये जो कर्व है y को कितनी बार काटेगा। हमें क्या बताना है इसमें, नंबर ऑफ जीरो बताना है, इस ग्राफ को देख के नंबर ऑफ जीरो बताना है, कि जीरो की वैल्यू क्या है वो नहीं बताना, हमें सिर्फ नंबर बताने कितने जीरो हो सकते हैं इस पॉलिनोमियल के। तो देखा जाए बेटा तो यहाँ पे जो ग्राफ है ये x एक्सिस को नहीं काट रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे ठीक है। ये वाला x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है x एक्सिस को, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो एक हो गया। ये x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, x एक्सिस को एक दो और तीन बार काट रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, थ्री हो गए। यहाँ पे x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है बेटा, दो बार काट रहा है x एक्सिस को, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो दो हो जाएंगे। यहाँ पे x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक दो तीन चार, चार बार, तो नंबर ऑफ जीरो फोर हो जाएंगे। यहाँ पे बेटा एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक, देखो टच करने का मतलब एक ही बार काटेगा, दो और तीन, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, थ्री हो गए। ओके अब अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, ये तो हो गया एक्स के लिए, अगर मैं ऐसे लिख देता इक्वेशन एफ वाई, ये भी एग्जाम में पूछा गया, अब बताओ नंबर ऑफ जीरो क्या होगा इसके लिए, इसको मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं इसका आंसर। तो इस वाले केस में अब हमें देखना है कि यहाँ पे वाई कोई कितनी बार काटेगा, तो ये y को एक बार काट रहा है तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, वन। यहाँ पे y को एक ही बार काट रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए वन। यहाँ पे y को भी एक बार काट रहा है, इसके भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, वन ठीक है। यहाँ पे y को एक बार भी नहीं काट रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस जीरो। यहाँ पे y को एक ही बार काट रहा है बेटा तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, वन। यहाँ पे y को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इसके भी वन हो जाएंगे ठीक है। तो आपको ये देखना है कि y एक्सिस को ये कितनी बार काटेगा अगर इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाता है तो ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिलहाल। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना होता है बेटा कि y इक्वल टू एफ एक्स है या x इक्वल टू एफ वाई है, इन दोनों में अंतर है। अगर y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो आपको देखना है कि वो जो ग्राफ है यानी जो लाइन है वो x एक्सिस को कितनी बार काटेगा,
और अगर x इक्वल टू एफ वाई है तो आपको देखना y एक्सिस पे वो कितनी बार ग्राफ को काट रहा है, ठीक है ना। तो चलिए जो लाइन है ग्राफ को y एक्सिस को कितनी बार काट रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। तो अब जो हमारी एक्सरसाइज है वो 2.2 एक्सरसाइज है और काफी इजी एक्सरसाइज है। इसमें हमें फैक्टराइज करना है मिडल स्प्लिट टर्म और इसमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यूज करना है। तो एक्सरसाइज 2.2 आपके 2023 और 24 का सिलेबस है बेटा ये, ठीक है। 2023-24 के अनुसार आपके सिलेबस में बस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है और इतना ही आपको सॉल्व करना है और इसी से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। चलिए इससे पहले हम एक्सरसाइज शुरू करें, थोड़ा सा एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट दोबारा से मैं समराइज कर रहा हूं। हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इस फॉर्म का होता है, ठीक है ना। इस फॉर्म का हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है और बच्चों इसमें ध्यान रखना जो यहाँ पे रिलेशन होता है, क्या हम बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप का नाम याद रखते ही धड़कने तेज हो जाती है ना। रिलेशनशिप बेटा मैथ्स का रिलेशन है ये अल्फा बीटा, अगर यहां से ब्रेकअप हो गया ना तो जिंदगी से ब्रेकअप है। एग्जामिनर भी लाल साई से लिख देगा 0 0 0 बेटा, तो यहां से ब्रेकअप मत करना। रिलेशनशिप बेशक से हर जगह से हो जाए ब्रेकअप, यहां से ब्रेकअप ना। रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन कॉफिशियंट्स एंड जीरोस क्या था, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने का फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यही तीन कॉन्सेप्ट हमें इसमें यूज करना है, इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे यूज करेंगे। और इसके बाद जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा कि एक्स्ट्रा फॉर्मूले आपको क्या याद करने हैं। तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं 2.2 एक्सरसाइज, जिसमें हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, जीरोस फाइंड करना है और इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट फाइंड करना है। ए बच्चों पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले तो हमें इसका जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने का तरीका है मिडल स्प्लिट टर्म यानी फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब देखो जरा यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो आप पहले क्या निकालोगे, एसी निकालोगे। एसी कितना हो जाएगा भाई, माइनस 8 और 1 कितना हो गया, माइनस 8 इंटू 1 यानी माइनस 8 आ जाएगा। अब 8 किस किस के टेबल में आता है, 8 किस किस के टेबल में आएगा, 8 आता है 2 के टेबल में, कितने पे आता है, 4 पे आता है, 2 चौक कितना होता है, 8 होता है ना। यहाँ पे 2 चाहिए, अब इन 2 और 4 को कैसे जोड़ा या घटाया जाए ताकि 2 आ जाए, भाई कैसे करते थे, पहले हम लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाले नंबर से इंटू करते थे, लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 8 एकम 8 हो गया। अब ऐसे दो नंबर गुणा करने पे तो 8 आ जाए, जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, बीच वाला नंबर 2 आ जाए, बीच में कितना है, 2 है ना। तो हमें बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना होता है इस मल्टीप्लीकेशन को देखकर। तो यहाँ पे 2 चौक 8 होता है, अब 2 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 2 आ जाएगा कि नहीं। तो यानी आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 हो जाएगा, यही तो होगा। अब क्या याद रखना है, पहले दो और आखिरी दो, फर्स्ट टू और लास्ट टू, पहले दो में से फर्स्ट टू में से इन दोनों में से जो जो जितना भी कॉमन निकाल सकते हो कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x आ रहा है, तो क्या बचेगा, x प्लस 2। यहां से क्या कॉमन आएगा भाई, माइनस 4, तो क्या बचेगा अंदर, x प्लस 2, ठीक है। जो ब्रैकेट में टर्म है उनको आप पहले लिख लोगे, इसका मतलब ये होगा कि ब्रैकेट वाले टर्म को आप दोबारा से कॉमन निकाल लोगे, ये x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, इसको आप फर्दर कॉमन निकाल लोगे, तो बच्चा क्या बच्चा यहाँ पे x और यहाँ क्या बच्चा माइनस 4। अब एक बार इसको जीरो पुट करोगे, हमें जीरोस निकालना है, जीरोस, तो एक बार x प्लस 2 को जीरो पुट करो और एक बार x माइनस 4 को जीरो पुट करना। तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 2, तो बच्चों अल्फा क्या हो गया, माइनस 2 हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू प्लस 4, तो बीटा कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। जो आपके x की दो वैल्यू आएगी उनमें से एक को अल्फा एक को बीटा कह देना। आप इसको भी अल्फा कह सकते हो, इसको बीटा कह सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। अब हमें रिलेशन बताना है भाई, रिलेशन बिटवीन द जीरोस और एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो आपको पहले निकालना है बेटा अल्फा प्लस बीटा, तो लिखना मत भूलना, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इन दोनों को एड कर दो, माइनस 2 प्लस 4 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है।
और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए, यही तो है ना। तो भाई ऐसे अलग अलग करके निकालना है आपको, वेरीफाई कर रहे हो। बच्चे क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए लेके सॉल्व करना शुरू करते हैं साइमल्टेनियसली। बेटा ये तरीका गलत है, आप एक साथ दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो वेरीफाई करना है, हमें थोड़ी ना पता बराबर है या नहीं बराबर है, हमें तो बराबर करके दिखाना है। दिखाओगे कैसे, जब आप अलग अलग करोगे। बेटा अल्फा प्लस बीटा अलग निकालोगे और बी माइनस बी अपॉन ए अलग निकालोगे, ओके। चलिए अब बी यहां पे कितना है भाई, बी यहां पे माइनस टू हो जाएगा। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसको माइनस टू एक्स लिख देते हैं। तो बेटा कॉफिशेंट में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज बी, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज सी। तो भाई ए बी सी है क्या हमारे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में, वो आपको क्लियरली विजिबल और समझ में आना चाहिए। बच्चे एक्स के साथ यूज करते हैं, बेटा कॉफिशेंट लेना है, एक्स नहीं लेना है कहीं पे भी, वाई नहीं लेना है कहीं पे भी, वेरिएबल को कहीं लेना ही नहीं है, सिर्फ कॉफिशेंट लेना है। कॉफिशेंट में वेरिएबल नहीं लिया जाता है, एक्स वाई जेड वगैरह कुछ नहीं लेना आपको, ठीक है। ओनली जो एक्स और वाई के साथ मल्टीप्लाई में नंबर है, जो एक्स के साथ है, ठीक है, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है उसका जो भी साइन है, साइन के साथ आपको लेना है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे बी कितना है, माइनस टू है। बेटा माइनस पहले से फॉर्म लिखा है तो दो बार माइनस आ जाएगा और बट्टे में एक, तो कितना आ गया, दो, दोनों बराबर आ रहे हैं ना। अब यहाँ पे आपको लिखोगे हैंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू टू, ये आपको करके दिखाना है। ये पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरो एंड कॉफिशियंट के बीच में। अब इसी प्रकार बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालोगे, क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा कितना है बेटा, माइनस टू और इंटू फोर, माइनस टू इंटू फोर, तो कितना आ जाएगा, माइनस एट आ जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, बी अपॉन ए के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बी सॉरी सी अपॉन ए के, सॉरी सॉरी सी अपॉन ए के, है ना। यही तो रिलेशन है हमारे पास। सी कितना है बेटा, माइनस एट है, कितना है सी, माइनस एट, और ए कितना है, वन। क्या ये दोनों बराबर है, हाँ या ना, हाँ सर, तो बिल्कुल लिख दो बेटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए इक्वल टू माइनस एट। तो ये हमारे पास तरीका है सॉल्व करने का, दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू सॉल्व सच क्वेश्चन, ठीक है। और हाँ, बेसिक वालों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्टैंडर्ड वाले इतना मत समझना कि इतना आसान सवाल आएगा। हाँ मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कोई डिफरेंट आ जाए, रूट वाला आ जाए, फिर क्या करोगे। चलो सॉल्व तो करेंगे बेटा, और करा रहे क्वेश्चन, अभी और देखते हैं बेटा, और क्वेश्चन देखेंगे और करेंगे सॉल्व, पूरी एक्सरसाइज होगी सॉल्व इसकी, पूरी एक्सरसाइज कराएंगे आपको। तो देखिए अगला सवाल, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, ठीक है। पहले इसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज कैसे करोगे भाई, 1 into 4 into कर दोगे, 1 into 4 क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस 4 हो जाएगा, 1 into 4 यानी ac निकालोगे पहले तो 4 आ जाएगा। अब भाई ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करें 4 आ जाए भाई, 2 दूनी 4 होता है ना, तो 2 में से 2 घटाओगे, माइनस 2 तभी तो माइनस 4 आएगा, बीच में टर्म क्या है, माइनस 4 है ना, तो भाई 2 दूनी 4 होता है, तो माइनस 2 और माइनस 2 करोगे तभी तो माइनस 4 आएगा, माइनस 2 करोगे माइनस 4 आएगा, हमें तो मिडिल स्प्लिट करना है। तो भाई पहली टर्म और जो लास्ट वाली टर्म है इसको तो चेंज नहीं करते हैं, केवल बीच वाली टर्म का स्प्लिट होता है। आप इसमें क्या करना है, आपको एस लिख देना है साथ साथ, माइनस टू एस। बेटा मिडिल स्प्लिट का मतलब बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया अकॉर्डिंग टू जो हमने फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया था एसी को अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ध्यान रखना बीच वाली टर्म के बराबर ही होना चाहिए। अब क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट, फर्स्ट टू और लास्ट टू में से कॉमन, यहां से क्या कॉमन आ सकता है, पूरा जितना कॉमन निकाल सकते हो, देखो 2 दुनी 4 2 दुनी 4, यहां से हम 2s कॉमन निकाल लेंगे, यहां क्या बचेगा 2s बचेगा, ये 2s पूरा बाहर आ गया तो अपने जगह पे क्या छोड़ के जाएगा, 1 छोड़ के जाएगा, ठीक है। बेटा यहां से माइनस है ना, तो माइनस 1 कॉमन निकाल लेना, 2s माइनस 1 बचेगा, ठीक है, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा। तो जो कॉमन टर्म है उसको आप एक बार लिखोगे भाई, यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, फर्दर कॉमन निकालोगे 2s माइनस 1, दोबारा कॉमन आ जाएगा, बचा क्या 2s माइनस 1, ओके, यानी जो 2s माइनस 1 है ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। अब एक बार क्या करेंगे, हम 2s माइनस 1 को जीरो पुट करेंगे, फिर हम 2s माइनस 1 को जीरो पुट करेंगे, तो यहां से s की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, हाफ आ जाएगी, तो अल्फा क्या हो गया, 1/2 हो गया,
ओके यहाँ पे भी एस की वैल्यू क्या जाएगी, हाफ आ जाएगी, तो यहाँ पे बीटा क्या कह दोगे इसको, 1/2 कह दोगे। भाई दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं यहाँ पे, बराबर आ रहे हैं। ओके चलिए अब यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरोस, अभी तो मैं रिलेशन भी वेरीफाई करना है कोफिशिएंट और जो जीरोस के बीच में रिलेशन, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं पहले। सम ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 हो जाएगा, आधा जमा आधा 1 हो गया, ठीक है। माइनस बी अपॉन ए, बी कितना है बेटा यहाँ पे, बी यहाँ पे -4 है, बी कितना है -4 और ए कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ए कितना है यहाँ पे, ए यहाँ पे 4 है, सॉरी 4 है, तो बेटा 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया, तो दोनों रिलेशन बराबर हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 1, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। इसी प्रकार निकालो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे आप, ये क्या हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 × 1/2 हमें तो सॉरी ये क्या 1/2 × 1/2 कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। बेटा आप सी बाई ए निकाल लो, सी कितना है यहाँ पे 1, ए यहाँ पे 4 है, तो 1/4 दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए इक्वल टू 1/4, हेंस वेरीफाइड। ओके इस तरीके से आपको क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो देख लो ये वाला सवाल और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है ये, 6x² - 3 - 7x है, ठीक है। तो सबसे पहले ये अरेंज, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, ये ऑर्डर वे में नहीं है, पहले आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाद x की टर्म आनी चाहिए, तब आप मिडल स्प्लिट टर्म करना, थोड़ा इस बात को भी ध्यान में रखना। तो 6x² - 7x - 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे पीछे कर लेंगे, और जब हम एक ही जगह पे नंबर को इधर उधर करते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं आता है, यानी जो साइन नंबर के साथ है उसी साइन के साथ हम उठा के वहीं पे दूसरी तरफ रख देंगे, तो इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एसी निकालेंगे बेटा, एसी 3 × 6 = 18 -3 × 6 यानी 18 आ जाएगा। ओके अब ऐसे दो नंबर गुणा करें 18 आ जाए, जोड़ने घटाने में कितना आ जाए 7 आ जाए, यानी 9 × 2 = 18 होते हैं, 9 × 2 = 18 होता है, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा, लेकिन मुझे तो -7 चाहिए, तो -7 कैसे आएगा बताइए, -7 कैसे आएगा, मुझे तो -7 चाहिए, जब मैं 2 में से 9 घटाऊंगा तो 2x - 9x हो जाएगा, जब मैं 2 में से 9 घटाऊंगा यानी कि 2x - 9x हो जाएगा, 2x - 9x हो जाएगा, यानी 2 पॉजिटिव होना चाहिए और 9 नेगेटिव का होना चाहिए। पहले दो और आखिरी दो में से जो कॉमन आ रहे निकाल लो, भाई क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 2x कॉमन आ जाएगा, 2 × 3 = 3x + 1 रह गया, यहां से -3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 3x + 1 बचेगा बेटा। अब ब्रैकेट वाली टर्म को दोबारा कॉमन निकाल लो, यानी फर्दर कॉमन आ रहा है, तो 3x + 1 2x और -3 बचेंगे दूसरे ब्रैकेट में। ओके अब एक बार 3x + 1 को 0 पुट करो, एक बार 2x - 3 को 0 पुट करो, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1/3 हो जाएगा, इसको अल्फा कह दो, यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 आ जाएगा, इसको आप बीटा कह देना, ठीक है। अब निकाल लो यहाँ पे रिलेशन सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -1/3 और +3/2, 6 एलसीएम आ गया, सो -2 + 9 यानी कि 7/6 हो जाएगा। ओके इसी प्रकार बेटा निकालो यहाँ पे -b/a, बी कितना है यहाँ पे, बी यहाँ पर है -7, बी कितना है बेटा -7 है, और ए कितना है यहाँ पे 6 है, तो कितना आ गया 7/6। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, यस सर बराबर आ रहे हैं, तो ठीक है बेटा हमारे पास जो कॉफिशियंट और जीरोस का जो रिलेशन है वेरीफाई हो जाता है ना, 7/6 के बराबर आएगा। रे अब निकालेंगे प्रोडक्ट, रे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अरे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा करोगे, अल्फा इंटू बेटा क्या हो जाएगा, -1/3 अल्फा है, बीटा है 3/2, 3 × 3 खच्चैक कट गया, 1/-1/2 आ जाएगा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, सी अपॉन ए के, सी कितना है -3, ए कितना है 6, -3/6 -1/2 हो जाएगा,
हो जाएगा ना, क्या दोनों बराबर आ रहा है? हाँ या ना बोलो बेटा, हाँ बोलो ना नहीं बोलना बेटा, हाँ सामने दिख रहा है, वेरीफाई है। अल्फा इंटू बीटा इज सी बटा ए बेटा, सी बटा ए, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो गया। तो भाई इस तरीके से आपको पूरा सवाल सॉल्व करना है, ध्यान रखना यही पैटर्न आपको फॉलो करना है किसी भी हाल में। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखो बड़ा शानदार है, इसमें तीसरा वेरिएबल ही नहीं दे रखा है, इन्होंने तो इसकी पूंछ ही काट दी, बिना पूंछ के दौड़ा रहे हैं इसको, इसमें तीसरा वेरिएबल नहीं है। तो बेटा ये इस क्वेश्चन और आसान कर दिया इन्होंने, सिंपल आपको क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है। क्या करना है, सिंपली कॉमन निकाल लेना है। तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 4u कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4u कॉमन आ जाएगा, 4 एकम 4 u बचा, 4 दुनी 8, बस इतना ही सा सवाल था ये। एक बार इसको जीरो पुट करना 4u को, और एक बार इसको जीरो पुट करना, इसमें कोई मिडिल स्प्लिट टर्म नहीं होगा, ये सीधा कॉमन आ जा रहा है। ओके तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा, पुट कर दोगे, ठीक है, पुट 4u या जीरोस निकालो, सिंपल सी बात है, पुट क्या करना, जीरोस हो जाएगा 4u बराबर 0 है ना, 4u बराबर 0, और एक बार u प्लस 2 को 0 पुट करोगे, यहाँ पे 0 u 0 आ जाएगा, इसको अल्फा कह दिया, यहाँ पे u की वैल्यू माइनस 2, इसको आप क्या दोगे बीटा, क्या कह दोगे बेटा, बीटा कह दोगे, राइट। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस निकालोगे, क्या निकालोगे आप, सम ऑफ जीरोस निकालोगे, क्या आ जाएगा सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो प्लस में माइनस टू है ना, तो कितना आ गया माइनस टू, और माइनस बी अपॉन ए निकालो। अब देखो बी कितना है यहाँ पे, 8 है, ए यहाँ पे 4 है, तो माइनस 8 बाई 4 यानी कि माइनस टू, दोनों बराबर आ रहे हैं, यस सर, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए माइनस टू के बराबर। तो भाई सम ऑफ जीरो का रिलेशन तो वेरीफाई हो गया, अब निकालो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या निकालोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करोगे, यानी अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा कितना है जीरो, बीटा यहाँ पे है माइनस टू, और जीरो से टकराओगे तो जीरो में मिल जाओगे बेटा, जीरो से गुणा कर दो, जीरो से किसी नंबर को भाग कर दो, जीरो को किसी नंबर से भाग कर दो सॉरी, ठीक है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके तो अल्फा इंटू बीटा इज जीरो। अब हम यहां निकालेंगे सी अपॉन ए, ये बताओ यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगी, भाई तीसरा तो एब्सोल्यूट टर्म तो है ही नहीं, तो एब्सोल्यूट टर्म नहीं, वहां पे क्या हो गया, जीरो हो गया बेटा, सी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो जीरो बट्टा चार बराबर जीरो, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी अपॉन ए। इससे भी हमारा रिलेशन क्या हो गया, कोफिशिएंट और जो जीरो के बीच में रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया। तो ये वाला सवाल कुछ इस तरीके से था, ठीक है, और बड़ा सुंदर सवाल था ये। तो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल करते हैं। देखिए ये वाले सवाल है, ये तीन सवाल मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, और इन तीनों का एक ही मेथड है, इसमें आप लगाओगे आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पढ़ा था आइडेंटिटी है, नाइन्थ क्लास में था, एट में था, सेवंथ में भी था, है ना। तो भाई इसको आप क्या लिखोगे पहले, 15 किसका स्क्वायर होता है ये बताओ पहले, 15 किसका स्क्वायर है, रूट 15 का स्क्वायर करोगे तो 15 आएगा, इस 15 को मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट 15 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 15 का स्क्वायर, ये दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका स्क्वायर जो होगा, ठीक है, यानी रूट 15 का, तो 15 आ जाएगा। तो आपको पहले इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसकी जो फैक्टराइज होगा t माइनस अंडर रूट 15 और t प्लस अंडर रूट 15 करके हो जाएगा। तो एक बार t माइनस रूट 15 को जीरो पुट करना बच्चों, a फिर दूसरी बार t प्लस रूट 15 को जीरो पुट करना, यहाँ पे t की वैल्यू अंडर रूट 15 तो इसको आप अल्फा कह देना, यहां पे t की वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट 15 इसको आप बीटा कह देना। ओके अब निकालो सम ऑफ जीरोस, क्या निकालोगे आप, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, क्या आ जाएगा, यानी कि
√15 माइनस √15 तो क्या आ गया बेटा, जीरो आ गया। और माइनस बी अपॉन ए बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब देखो यहाँ पे बी का कॉफिशियंट नहीं है, तो बी का कॉफिशियंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, बी का कॉफिशियंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी कि क्या आ जाएगा, जीरो बट्टा वन, यानी कि जीरो आ जाएगा। तो इससे पता चलता है अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब निकालो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, इनको इंटू कर लेंगे, यानी रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 कितना आ जाएगा भाई, रूट से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 15 बचेगा। और सी अपॉन ए निकाल लो, क्या निकालोगे, सी अपॉन ए, सी यहाँ पे कितना है, सी यहाँ पे माइनस 15 है, माइनस 15 बाई 1। तो यानी अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए इक्वल टू माइनस 15। ओके, तो ये हमारे पास सवाल था, काफी अच्छा सवाल था ये, और ये भी हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको करते हैं फैक्टराइज। तो भाई ए सी कितना हो जाएगा इसके अंदर, ए इंटू में सी माइनस 4 × 3 है ना, तो कितना आ गया, माइनस 12। ऐसे दो नंबर गुणा करें माइनस 12 आ जाए, जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, एक आ जाए। यानी 12 किस किस के टेबल में आता है, 3 × 12, 3 में से 4 घटा दो बेटा माइनस 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टराइज 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, फर्स्ट टू लास्ट टू में से कॉमन निकाल लो, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 3x, तो अंदर क्या बचा x प्लस 1, यहां से 4 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचा x प्लस 1। ब्रैकेट वाली टर्म को फर्दर कॉमन निकाल लो बच्चों, तो यहाँ 3x माइनस 4 बच जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। एक बार x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे और एक बार 3x माइनस 4 को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू 4/3 हो जाएगा। इसको आप कह दो अल्फा बच्चों और इसको आप कह दो बीटा। ठीक है, तो यानी आप निकालेंगे सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा भाई, माइनस 1 प्लस 4/3, तो माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 3 एलसीएम आ जाएगा बेटा, 3 माइनस 3 प्लस 4 हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। अब निकाल लो माइनस बी अपॉन ए, बी यहाँ पे कितना है माइनस 1, ए यहाँ पे कितना है माइनस 3, तो माइनस माइनस 1 अपॉन 3 यानी कि 1/3। दोनों नंबर बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब भाई सम ऑफ जीरो का रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो गया कॉफिशियंट ऑफ जीरोस के साथ। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे भाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, पीओ जेड निकाल लो। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या आ जाएगा, है ना, पीओ जेड लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और एसओ जेड। तो पीओ जेड क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जो पीओ जेड आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा कितना है यहाँ पे भाई माइनस 1 और बीटा यहाँ पे कितना है 4/3, माइनस 1 इंटू में 4/3 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 4/3 हो जाएगा। और निकालो बी अपॉन ए, अब्बा बा बा है ना, बी कितना है, सॉरी सी अपॉन ए, सा माइनस 4/3 माइनस 4, दोनों बराबर आ रहे हैं बेटा, दोनों बराबर है तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बेटा, सी अपॉन ए के बराबर। हैंस द रिलेशन इज वेरीफाइड बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सो भाई ये तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, कति जहर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जिसमें हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो मैंने बताया था ना, इन फॉर्मूले से आपकी पहला जो यहाँ पे 2.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों, अगला सवाल जो है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद गिवन नंबर एज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। देखो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। बच्चे अक्सर इसको अल्फा प्लस बीटा या अल्फा या बीटा गिवन है इससे रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो एग्जाम में कई बार ये चलाकी देते हैं, कई बार इनको ये अल्फा बीटा बोल देते हैं
और आपसे पूछा जाता है, लेकिन तब और यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन दे रखा है। तो यानी कि याद रखना, अगर अल्फा बीटा दे रखा हो यानी जीरो दे रखा हो तो आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, और अगर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है तब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूले में आपको पुट करना है। तो भाई देखिए यहां पे बोल रखा है सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि भाई जो पहला वाला नंबर होगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है, यानी 1/4, और दूसरा वाला नंबर क्या होगा बेटा अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला यूज करना है, पुट कर दो बस, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है उनका एलसीएम निकाल लो अगर फ्रैक्शन आ रहे तो जैसे 1/4 का एलसीएम 4 ही आएगा, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से यहाँ, 4 से यहाँ, 4 से यहाँ, जब आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4x2, ठीक है, यहाँ पे जब 4 से इंटू करोगे 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x और ये -4, और बच्चों जब 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 से डिवाइड भी आपको करना पड़ेगा, तो ये आंसर आएगा इसका। इस 1/4 को आप कहीं नहीं ले जा सकते, इसके साथ ही आपको लिखना पड़ेगा। देखो इसमें भी अल्फा प्लस बीटा √2 है, अल्फा इंटू बीटा 1/3 है, जरा इसको समझो, और यानी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर √2x हो जाएगा, इसमें पुट कर देंगे, है ना, इसमें पुट कर देंगे, फॉर्मूला लिखना मत भूलना, प्लस में 1/3। अब देखो यहाँ पे सभी के नीचे 1/1 है और यहाँ पे 3 है डिनोमिनेटर में, इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, हर एक को 3 से गुणा कर दो, जब आप 3 से गुणा करोगे तो 3x2, ये क्या हो जाएगा 3√2x हो जाएगा, और जब 3 × 1/3 करोगे तो 3 से 3 कट गया, बचा 1, अब 1/3 आपको बाहर लिखना पड़ेगा क्योंकि जब 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके सेम बच्चों इसमें x2 माइनस 0x प्लस √5 हो जाएगा, ओके ये तो सीधे आ जाएगा। इस वाले के क्वेश्चन में देखो x2 माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 1.x प्लस में 1, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों x2 माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस में 1/4, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस 1/4 पुट करोगे, है ना, इसकी जगह, और अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4। अब देखो यहाँ पे 1/4 का एलसीएम 4 आएगा, सबको आप 4 से इंटू कर दो तो ये 4x2 4 × 1/4 1 हो जाएगा, 4 × 1/4 क्या हो जाएगा बेटा ये भी 1 हो जाएगा, तो आपको जब 4 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 4 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स का रूल क्या कहता है, मैथ्स का रूल ये कहता है बेटा जितना बाहर से जोड़ोगे उतना घटाओगे, जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने से भाग भी करना पड़ेगा। अब इसकी बात करते हैं x2 माइनस 4x प्लस 1, सिंपल सा आंसर है इसका, है ना, x2 माइनस 4x प्लस 1। तो चलिए ये हो गया आपके एनसीईआरटी खत्म, यस एनसीईआरटी इतना ही है, 2.2 तक ही आपके एनसीईआरटी, इसके आगे आपको सवाल नहीं करने, एग्जाम्पल जरूर कर लेना, एग्जाम्पल मत छोड़ना। अब हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्या करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे, ये तो आपके एनसीईआरटी के सवाल हो गए। अच्छा अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना कैसे ये भी पता होना चाहिए बेटा, आपको पढ़ना वही है जो आपके सिलेबस में दे रखा है, और वो क्या क्या सिलेबस में दे रखा है आई विल डिस्कस विद यू, ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन कराता रहूंगा, नंबर उसका लिखता रहूंगा क्वेश्चन होगा क्या है, लेकिन हम इससे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करें कुछ आपको फॉर्मूले और सूत्र याद रखने पड़ेंगे जीरोज से रिलेटेड। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये होता है बेटा अल्फा स्क्वायर, यानी कि सॉरी ऐसे मत करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो ये बेटा हो जाए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, और इसी प्रकार आप इसको ऐसे लिख सकते हो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, दो रिलेशन है ये, थोड़े से इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ओके एक तो ये फॉर्मूला है जो हम यूज करने वाले हैं अभी, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम इसके अंदर यूज करेंगे फ्रिक्वेंटली। इसी प्रकार बच्चों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस में बीटा होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, ओके। इसी प्रकार भाई अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, इसका भी होल स्क्वायर, और
और माइनस में 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर, ऐसे ही फॉर्मूला बनेगा। अगर आप बनाना चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कर देना बेटा, दोबारा ये वाली फर्स्ट आइडेंटिटी लगाओगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फर्दर आप इसमें अप्लाई करोगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की पावर 4 हो जाएगा। तो मेरे तीन फॉर्मूले जो आपको हर हाल में याद रखने हैं किसी तरीके से, और इन्हीं पे बेस्ड हमारे सारे सवाल होंगे और इन्हीं से हमें सारे सवाल के जवाब मिलने वाले हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ठीक है, जो हर हाल में हमें यूज करना है। बाकी जो इससे पहले का कॉन्सेप्ट है वो तो आप यूज करोगे ही, ठीक है, लेकिन ये तीन कॉन्सेप्ट और थोड़े से दिमाग में बैठा लेना, ठीक है, काफी यूजफुल क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स हैं और वी विल यूज दिस फ्रेंकली इन द क्वेश्चंस, और यहां से एग्जाम में सवाल आता है इस टॉपिक से। तो चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। सो अब है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल। दो देखो, इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सॉरी दो ही पार्ट है इसमें, आई थिंक असर्शन रीजनिंग नहीं है, तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला एमसीक्यू है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एमसीक्यू भी एग्जाम में आएंगे, तो भाई जो एमसीक्यू एग्जाम में आएंगे यही मान के चलो 90% जो सवाल है, 90% जो एमसीक्यूज होंगे, बल्कि 100 भी हो सकते हैं भाइयों, ठीक है, वो कहां से होंगे? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से होंगे। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी की ही किताबें होती है, जिनको नहीं पता है एनसीईआरटी बुक के अलावा एक और किताब होती है, डेट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, तो ये भी किताब आपको जरूर सॉल्व करनी है। मैं यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके सिलेबस के अंदर है, यानी पूरी इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एनालिसिस करने जा रहे हैं, यानी सारे क्वेश्चन करेंगे, यानी जो जो आपके लगभग जो सिलेबस से रिलेटेड है 2023 और 24 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला सवाल देखो ये रहा, मैंने तीन एमसीक्यू यहाँ पे लिखे हैं फिलहाल। तो इफ वन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर 3x प्लस के इज 2, देन वैल्यू ऑफ के। यहां क्या बोला जा रहा है कि अगर यहां पे इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का एक जीरो दो है तो पूछा है कि k की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, -10 होगी, 5 होगी या -5 होगी। आपने इस तरीके के सवाल बच्चों नाइन्थ क्लास में किए थे इफ यू रिमेंबर, जहां पे आपको जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल गिवन था और वहां पे एक्स की वैल्यू गिवन थी, यानी एक जीरो दे रखा था और के की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो कुछ नहीं करना है, इसको उठा के इसमें पुट कर देना है और इस पूरे फंक्शन को आपको जीरो के बराबर रख देना है। तो जब आप इसमें 2 पुट करोगे, ये x की वैल्यू है, यानी आपको x की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 को इसमें पुट कर देना। सो 2 का स्क्वायर जमा में 3 गुना में 2 जमा में k और इसको बराबर कर देना 0। तो भाई ये कितना हो जाएगा, 4 जमा 6 जमा k बराबर 0, तो भाई k की वैल्यू आ जाएगी -10। देखो 1 मार्क्स का सवाल आएगा, तो आपको इतना स्टेप वगैरह आपको करके कुछ नहीं दिखाने, सीधे आंसर लिखना है। आई थिंक 18 एमसीक्यूज होंगे जहां तक मुझे पता है, 18 वन मार्क्स क्वेश्चन होंगे। आप ए बी सी डी यानी 1 2 3 के लग देना और ए बी सी डी करके आंसर सीधे लिखते चले जाना, ठीक है ना, सीधे आपको इसके अंदर आंसर लिखना है, आपको इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना है। हाँ, अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व करना, जैसे भी तो मैंने पुट करके दिखा दिया, लेकिन आने वाले टाइम में जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें शायद मैं पुट ना कराऊं, ठीक है। तो देखो मैं ऐसे करा रहा हूं, एमसीक्यूज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर के सवाल है, और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं अपनी तरफ से भी डालूंगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अगला सवाल सेम ऐसी है, ए वन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इतना दे रखा है -3, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का एक जीरो -3 है तो पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ के क्या होगा। तो देखो क्या करना है, -3 इसमें पुट कर देंगे, जब आप -3 एक्स की जगह रखोगे तो 9 हो जाएगा, 9 इंटू में के -1, ठीक है, -3 यहां पुट करोगे बच्चों x की जगह तो ये -3 के प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 9 के -9 -3 के प्लस 1 बराबर 0, 9 में से 3 गया 6 के, -9 जमा 1 कितना हो गया -8 बराबर 0, और k की वैल्यू आ जाएगी भैया 8/6, यानी 2 चौक 8 2 3 6। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, यानी ए ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक आया था, इसमें बी ऑप्शन ठीक आया था, इसमें ए ऑप्शन ठीक होगा। अगला सवाल देखो, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोस आर, देखो यहां पे बोल रखा है कि जीरोस, सम ऑफ जीरो नहीं है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरो, केवल इन्होंने जीरोस बोल दिया, इसका मतलब बच्चों यहां पे अल्फा -3 है और बीटा यहां पे 4 है, और पूछा है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कौन सा होगा इनमें से जिसके जीरोस ये गिवन है।
तो हमें पता है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इस फॉर्म का होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस फोर कितना हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी वन आ जाएगा, तो माइनस एक्स। अल्फा इंटू बीटा माइनस थ्री इंटू फोर कितना हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व। अब देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो पहला वाला तो मैच नहीं कर रहा, दूसरा वाला भी नहीं है, ठीक है, तीसरा वाला भी नहीं लग रहा है, और चौथा वाला भी कहीं से भी नहीं दिख रहा है ना। दो माइनस तो साइन है एटलीस्ट। तो भाई इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो क्या हमारा, क्या इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है या हमारा आंसर गलत है? तो देखो अब यहां पे आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है, दिमाग लगा रहे हैं। देखो यहां पे सब में माइनस है, और अगर देखो तो 12 12 और 24 है। अगर मैं इसको दो से गुना भी कर दूं, जैसे 24 यहां पे आ रहा है, 12 12 तो ठीक है। तो भाई ये दो ऑप्शन तो कहीं पे भी लाइन में नहीं आ रहे, क्योंकि यहां पे दो नेगेटिव है, इसमें एक नेगेटिव है, इसमें एक भी नेगेटिव नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो ए और बी तो कतई नहीं हो सकते। अब डी और सी में भाई कंफ्यूजन है, यहां पे कैसा लाया जाए, माइनस छह कैसे आएगा। तो अगर मैं सभी को दो से डिवाइड कर दूं, किससे, टू से डिवाइड कर दूं, सभी को टू से अगर डिवाइड कर दूं, दो छिक बारह हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों मैच कर रहे हैं। देखो जरा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों मैच कर रहे हैं। भाई मैंने देखा कि सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे छह आना चाहिए, तो मेरे को इसको दो से डिवाइड करना है, तो मैंने सभी को दो से डिवाइड कर दिया। ओके, तो भाई ऑप्शन सी ठीक है इसका। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, सी ठीक है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी समझदारी दिखाना, और ये सवाल मेरे ख्याल से बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फोर। देखो यहाँ पे इफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी आर टू एंड माइनस थ्री, ठीक है, देन पूछा इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब कैसे करें इस सवाल को, अगर ये दो नंबर में आ जाए तब कैसे सॉल्व करोगे? तो चलिए दो नंबर और एक नंबर दोनों के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर दो नंबर में थोड़ा लंबा स्टेप दिखा देना, वरना एक नंबर के लिए डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। तो क्या करेंगे भाई, क्योंकि हमें बोला गया है कि जो टू और माइनस थ्री है वो इसके जीरो है। टू और माइनस थ्री क्या है भाई, इसके जीरो है। तो आप एक्स की जगह क्या रख दोगे, दो रख दोगे। तो दो पुट करोगे जब कितना आ जाएगा, फोर प्लस यहां पर टू पुट करोगे, टू ए प्लस टू ब्रैकेट ओपन कर लोगे प्लस बी बराबर जीरो। भाई ये दो जीरो है ना इस पॉलिनोमियल का, तो जैसे हम दो इसको पुट करेंगे इसके अंदर, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो बच्चों, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा टू ए प्लस बी, टू ए प्लस बी, और चार और दो कितना हो गया छह, तो बराबर माइनस सिक्स। अब इसी प्रकार भाई इस वाले केस में देखो, माइनस थ्री पुट कर दो, माइनस थ्री पुट करोगे तो माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस नाइन, या माइनस थ्री रखोगे तो माइनस थ्री ए माइनस थ्री हो जाएगा, और प्लस बी इस पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एक बार दो रखा, एक बार माइनस थ्री रखा, और पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दिया। इसको सॉल्व कर लो भैया, तो क्या आ जाएगा सॉल्व करने पर, माइनस थ्री ए प्लस बी, नौ में से तीन गया, ये भी बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस छह के बराबर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, इन दोनों को घटा दो भाई। तो घटाओगे तो यहाँ पे प्लस और यहाँ प्लस साइन, ये कट गया ये कट गया, तो ए की वैल्यू तो जीरो आ जाएगी, ठीक है, ये जीरो के बराबर है तो ए की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, इसको वापस इसी में पुट कर देना, तो ये टू इंटू जीरो प्लस बी बराबर माइनस सिक्स, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, माइनस सिक्स। तो जीरो और माइनस सिक्स कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। अब चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, बेटा यहाँ पे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स पूछा गया है, जीरो नहीं पूछा है, पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी है कि भाई कितने पॉलिनोमियल यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो वैसे तो गिवन जीरो से अनंत पॉलिनोमियल बन सकते हैं, कितने, अनंत, इनफाइनाइट, तो यानी मोर देन थ्री तो ऐसे ही हो जाएगा। तो भाई एक दो तीन नहीं, इसके तीन से ज्यादा बनेंगे। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन गिवन है और उसमें अगर जीरो दे रखा है, तो जरूरी नहीं कि वो जीरो यूनिक हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो जीरो कई सारे पॉलिनोमियल के लिए एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, हो सकता है बहुत सारे पॉलिनोमियल के सेम जीरो हो, तो ऑप्शन डी इसका ठीक होगा। बच्चों आंख बंद करके बंद लगा देना, अनंत भी हो सकता है यहाँ पे, मोर देन फोर भी हो सकता है। ओके, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, मोर वन पॉजिटिव वन नेगेटिव बोथ इक्वल। अब इसका आंसर कैसे दें, यानी कि यहाँ पे पूछा है कि इसके जो जीरोस आएंगे यानी अल्फा और बीटा, क्या वो दोनों पॉजिटिव होगा, क्या वो दोनों नेगेटिव होगा, क्या अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव होगा, या बीटा नेगेटिव अल्फा पॉजिटिव होगा, या दोनों बराबर होगा। भाई सवाल ये है कि तीनों के साइन क्या है, पॉजिटिव है।
अगर तीनों के साइन पॉजिटिव हो बच्चा तो हमेशा आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। तो इसके हमेशा जो जीरोस होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। याद रखना, अगर यहां पे सारी टर्म्स पॉजिटिव है तो उसके जीरोस ऑलवेज नेगेटिव ही होंगे। और अगर भाई यहां पे नेगेटिव आ जाता है तो हो सकता है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो। ओके, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो। और एक चीज और बच्चों, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो होता है तो आप लिख देना रूट्स आर इक्वल, ठीक है ना, यानी जीरोस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जीरोस आर इक्वल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी आप बाद में पढ़ोगे, जब हम फोर्थ चैप्टर में पहुंच जाएंगे तब मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, तो देखिए जरा, ये सारे क्वेश्चन एक आध बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है पूछ ले आपसे भी इस बार, ठीक है। तो काफी थ्योरेटिकल सवाल है और काफी ज्यादा मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एकदम बस वर्ड प्रॉब्लम वैसी है। तो देखो, पूरी स्टेटमेंट सिर्फ अल्फाबेट से भरी पड़ी है, कोई मैथ्स इसके अंदर दिखी नहीं, कोई गणित इसके अंदर दिखनी नहीं, तो थोड़ा लॉजिकल है, ये आपको सोचना पड़ेगा। जैसे पहला सवाल है, The zeros of the quadratic polynomial x square plus kx plus k, ठीक है, where k is not equal to zero, यानी कि k की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, k की वैल्यू जीरो नहीं है तो नेगेटिव हो सकती है या तो फिर पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, या तो k नेगेटिव होगा या तो फिर पॉजिटिव, जीरो नहीं हो सकता, जीरो से कम होगा या जीरो से ज्यादा हो सकता है। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों नेगेटिव है, ठीक है, या दोनों ये पॉजिटिव है, k is not equal to zero, तो अगर k यहाँ पे पॉजिटिव है सपोज, ठीक है, तो यानी कि भाई इसकी वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती, कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी इसकी वैल्यू तो भाई k की वैल्यू चाहे कोई भी ले लो, आप चाहे यहाँ पे k नेगेटिव लेट कर लो, चाहे यहाँ पे पॉजिटिव लेट कर लो, ठीक है। तो यानी कि ध्यान रखना, अगर k पॉजिटिव हुआ तो कैन नॉट बोथ पॉजिटिव, सिंपल सी बात है, ठीक है, कैन नॉट बोथ नेगेटिव, ये भी बात हजम नहीं हो रही। दूसरी बात, आर ऑलवेज अनइक्वल, भाई ये भी नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं, ठीक है, और आर ऑलवेज इक्वल, तो इसको आप पता कैसे करोगे। तो देखिए, अभी फिलहाल मैं इतना डेप्थ में जा नहीं रहा हूं, तो आप अभी फिलहाल इतना समझिए, अगर सपोज दोनों k की वैल्यू नेगेटिव हो, दोनों k की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है, तो आप ये कह लो कि अगर यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, ठीक है, वैल्यू यानी ये इस फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के की फॉर्म का है, तो भाई इसमें एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। अगर ये मान लो दोनों पॉजिटिव है, यानी के एक्स प्लस के है, भाई अगर k की वैल्यू पॉजिटिव है तो इस वाले केस में भाई दोनों वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, दोनों वैल्यू इस केस में क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कैन नॉट बोथ पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ नेगेटिव, ठीक है। तो यानी कि इसमें हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव ना हो, तो यानी कि इसका ऑप्शन जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, ठीक है, कैन नॉट बोथ पॉजिटिव। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। If the zeros of quadratic polynomial, यहाँ पे हमें given है, c is not equal to zero, r equal, यानी यहाँ पे zeros बराबर है, alpha और beta दोनों बराबर है, क्या बोल दिया उन्होंने, alpha और beta दोनों बराबर है, then c and a have opposite sign, ठीक है, then c and b have opposite sign, then c and a have opposite sign, same sign, then c and b have the same sign। देखो, अगर ये roots बराबर है, या तो दोनों क्या होंगे, positive होंगे, ठीक है, या तो दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, है ना। अगर दोनों रूट्स बराबर है भाई, जीरोस बराबर है, या तो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव, तो भाई दोनों के क्या होने चाहिए, सेम साइन होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी ठीक है इसके अंदर। अगला वाले देखो, इफ द वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म, ठीक है, इज द नेगेटिव ऑफ अदर देन इट हैज नो लीनियर टर्म एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज नेगेटिव, हैज नो लीनियर टर्म एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, कैन हैव अ लीनियर टर्म बट द कॉन्स्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कैन हैव लीनियर टर्म बट द कॉन्स्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। अब ये सवाल जो चार ऑप्शन का बना दिया इन्होंने, चार ऑप्शन का सवाल बना दिया, ऐसे लग रहा है आईआईटी जेई का सवाल करने बैठ रहे हम लोग, है ना। तो देखिए,
इन्होंने बोल दिया कि एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है। स्टेटमेंट में देखो, एक जीरो अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा है, यानी एक जीरो दूसरे जीरो का क्या नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब माइनस बी अपॉन ए, तो बी की जगह आप यहाँ क्या पुट करोगे, ए पुट करोगे, माइनस ए बाई वन इक्वल टू जीरो। तो भाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, ए क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा करो तो भाई सी की जगह बी पुट करोगे, सो बी अपॉन में वन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो हो रही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया, बी आ गया। और एक्स स्क्वायर जहां पे आ जाए वो लीनियर टर्म तो है नहीं, तो और बी यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ देखो हैज नो लीनियर टर्म एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज नेगेटिव, नो 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 नो, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कॉन्स्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, यस 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 यस, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा बच्चों, सही होगा। तो इस प्रकार से देखो ये तो हो गए आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज, ठीक है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए। इसी प्रकार हम अब वो क्वेश्चन करने जाएंगे जो जनरली आपके पेपर में कभी ना कभी आए हैं, 2020 में, 2011 में, 2015 में, 16 में, 17 में, जो भी है, वट एवर, जब से एमसीक्यू का खेल शुरू हुआ है। तो सारे जो भी पीवाईक्यूज हैं, जो जो मेन मेन क्वेश्चन जितने मेरे से बन सकते हैं मैं यहाँ पे कराऊंगा। ये बात है कि इतनी गारंटी आपको देता हूं कि इससे बाहर एक क्वेश्चन अगर इतना भी आप पढ़ लेते हो, ठीक है, और इतना भी समझ लेते हो, तो इससे बाहर आपको एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आपके पूरे में से पूरे मार्क्स इस पॉलीनोमियल के अंदर अचीव हो जाएंगे, गेन कर लोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे भाई। तो देखिए ये है पीवाईक्यूज, यानी कि एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज, ठीक है। अब जो हम करने जा रहे हैं पीवाईक्यूज करने जा रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है, आउटसाइड दिल्ली, ऑल इंडिया, ठीक है, 2021-2020 के सवाल है आपके सामने ये, ठीक है। विच इज नॉट ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, कौन सा इनमें से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ नहीं है, तो ऑप्शन डी ठीक है। कौन सा, ऑप्शन डी भाई। एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, बस ये पैराबोलिक नहीं है, ये एक साइनोसॉइडल जैसा बन रहा है, क्यूबिक का बन जाता है मेरे ख्याल से। ए वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अगला क्वेश्चन देखो, ए वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज टू, देन वैल्यू ऑफ के क्या होगा। तो क्या करना है बच्चों, टू को यहां पुट करके जीरो के बराबर रख दो, तो एक्स की जगह टू रखोगे तो चार के हो जाएगा, जमा में छे जमा में के बराबर जीरो, भाई चार और के पांच के हो जाएगा बराबर माइनस छे, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस सिक्स बाई फाइव। कौन सा ऑप्शन ठीक दिख रहा है बेटा, माइनस सिक्स बाई फाइव, डी ऑप्शन ठीक है इसमें। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस अ क्यूबिक पॉलीनोमियल कैन हैव, एक क्यूबिक पॉलीनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होता है, तीन होता है, जितनी डिग्री होती है वहां तक जीरो पॉसिबल होते हैं, ओके। तो एक क्यूबिक पॉलीनोमियल में जो डिग्री होती है थ्री होती है, इसलिए इसमें तीन जीरो पॉसिबल है। ए वन जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देखो वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर जीरो, यानी एक जीरो जो है दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब जैसे अगर फाइव है तो फाइव का रेसिप्रोकल वन अपॉन फाइव हो जाएगा, तो भाई इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा वन हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए होता है। तो भाई सी यहाँ पे कितना है, के है, और ए यहाँ पे थ्री है, तो ये बराबर हो जाएगा के बाई थ्री, भाई के बाई थ्री बराबर वन, तो के की वैल्यू कितना, तीन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ठीक है इसका। तो देखिए इस तरीके से ये हो गए एमसीक्यूज पीवाईक्यूज के, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, अभी ये तो चल रहा है, अभी तो शुरुआत है, वी विल डू द सब्जेक्टिव क्वेश्चन आल्सो, यानी एनसीईआरटी एग्जाम प्लस प्लस पीवाईक्यूज। सो बने रहिए, जुड़े रहिए और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं कि है क्या, और 2021 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है, लेट्स सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जरा, ये एमसीक्यूज है और ये भी 2020 में ओडी में आ चुका है। देखो अब ओडी ओडी कर रहा हूं, आउटसाइड दिल्ली होता है, अब एक सेट होता नहीं, चार सेट होते हैं, ये भी ध्यान रखना, और दिल्ली से बाहर बहुत अलग अलग स्टेट होते हैं, तो वहां पे अलग अलग सेट होते हैं पेपर के, इस बात का भी खासम खास ध्यान रखना, ठीक है। तो द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एम एम प्लस थ्री आर, अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको सीधे फैक्टराइज कर दो, या तो आप सीधे इसको फैक्टराइज कर दो, दूसरा तरीका यह है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा देख लो,
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा देख लो। देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। सबसे आसान तरीका भाई ये है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। बी कितना है यहाँ पे, माइनस थ्री है, तो माइनस ऑलरेडी तो प्लस थ्री और अपॉन में वन, तो थ्री आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, यानी सी अपॉन ए, तो माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री हो जाएगा, माइनस एम इंटू एम प्लस में थ्री हो जाएगा। अब चेक कर लो, देखो पहले में अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो ऐड करने पे क्या आएगा, 2m प्लस 3, जो कि इसके बराबर तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता भैया। m माइनस m, m प्लस 3 है, माइनस m, m प्लस 3 है, अगर आप इनको ऐड करते हो 3 तो आ रहा है भाई, ये तो ठीक लग रहा है। अब दूसरा भी चेक कर लो, गुणा कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस m, m प्लस 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी तो भाई करेक्ट आ गया। अब बाकी जब है ही नहीं तो क्या फायदा बाकी करने का। अच्छा अब ऑप्शन बी तो करेक्ट आ गया, लेकिन अभी भी आगे देखो, अब जरा आगे देखते हैं। अब ऐसे इस वाले ऑप्शन को पकड़ पर रखना है, इस वाले ऑप्शन को देखो, तो भैया इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो m माइनस m कट गया, बट माइनस थ्री बचेगा, तो भैया ये भी कतई नहीं हो सकता, इसको तो भाई कतई नहीं कर सकते आप, क्योंकि माइनस टू एम आ जाएगा, तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या है, बी है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों हमेशा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का कॉन्सेप्ट याद कर लो, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से आपको ये सारे सवाल सॉल्व करने और हो जाएंगे। जैसे अगला सवाल देखते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन वैनिश हो जाए, वैनिश का मतलब शून्य आ जाए, इनमें से कौन सी वैल्यू है एक्स की कि ये दोनों वैल्यूज पे वैनिश हो जाए। अगर मैं दो पुट करूं तो भाई ये कितना आ जाएगा, चार माइनस एक, भाई ये तो वैनिश तो हो ही नहीं रहा, माइनस दो पे भी वैनिश नहीं होने वाला, माइनस चार और चार माइनस एक तब भी आएगा, तीन आ जाएगा, तो भाई ये दो ऑप्शन तो कतई नहीं है, वैनिश होने का मतलब जीरो आ जाना चाहिए। माइनस वन पुट करो, माइनस वन पुट करोगे तो वन माइनस वन जीरो हो गया, हाँ ये तो भाई जीरो हो रहा है। अब इसमें भी देख लो भैया, यहां माइनस वन पुट करोगे तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन और एक प्लस टू प्लस में वन भैया, लेकिन ये तो चार आ गया, तो ये ऑप्शन भी कतई नहीं हो सकता, ये तीन ऑप्शन तो नकार हो गए, बचा क्या डी ऑप्शन। डी को देखते हैं भैया, वन पुट करोगे, वन स्क्वायर इज वन माइनस वन जीरो, ठीक है भैया ये तो सही आ रहा है। अब इसमें भी देख लो, वन स्क्वायर इज वन माइनस टू इज माइनस वन प्लस वन इज जीरो, तो भैया ये जो वन है ना इस पे दोनों पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, वैनिश हो जा रहा है, तो ऑप्शन डी ठीक है, वैनिश का मतलब जीरो हो जानी चाहिए वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहाँ पे माइनस अल्फा इंटू बीटा और आएगा भाई, तब जाके सवाल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, ये क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यानी इसको सिंपलीफाई किया बेटा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी यहाँ पे कितना है, माइनस वन है, तो माइनस वन अपॉन में वन हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए यानी माइनस फोर हो जाएगा, नीचे भाई नीचे क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये बी वाली टर्म प्लस हो जाएगी भाई, और माइनस में अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा अगेन माइनस, माइनस फोर सी बाई ए होता है तो माइनस फोर यानी प्लस फोर हो जाएगा। तो भाई चार तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा और चार चौक हो जाएगा सोलह, माइनस वन माइनस को ऊपर एब्जॉर्ब कर देंगे तो पंद्रह बट्टे चार इसका ऑप्शन है भाई, फिफ्टीन बाई फोर कौन सा ए ऑप्शन है। इधर अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टेड है, यहां पूछा गया है कि लोएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू क्या होगी, इसकी लोएस्ट वैल्यू बतानी है हमें। अब आप सोचोगे कि भाई वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा लोएस्ट वैल्यू आ जाएगा, तो भाई इससे तो बात बनने वाली नहीं है। तो लोएस्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि भाई सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करोगे, तो आप इसको ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, यहाँ पे आप 2 ऐड कर दो, 2 माइनस कर दो, तो 2 ऐड करने पे 2 जमा 2 4 हो जाएगा, 2 माइनस का बाहर रह जाएगा। यहाँ मैंने क्या किया भाई, 2 ऐड कर दिया, 2 घटा दिया, 2 और 2 4 हो जाएगा। ये जो फर्स्ट 3 टर्म है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस में 2, यानी 2ab हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, आप इसको ओपन करना यही आ जाएगा। अब देखो ये जो है वैल्यू, जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी x प्लस 2 का स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसकी जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस टू होगी, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, इसका क्या है, बी ऑप्शन ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से।
चलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। वैसे तो बहुत सारे सवाल, इसके 10 पार्ट थे, 10 में से जो बाकी 4 पार्ट आप खुद कर सकते हो क्योंकि वो सिंपल एकदम नॉर्मल है। इसमें कुछ फ्रैक्शन की टर्म्स हैं और कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है। तो मुझे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन डिस्कस करने थे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं और एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। इनके जीरोस फाइंड करने फैक्टराइजेशन मेथड से। दूसरा, यहाँ पे रिलेशन आप वेरीफाई कर सकते हो स्वयं अपने आप। तो चलिए पहले हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है भैया, वो देखिए 2x² + 7/2x + 3/4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे आसान तरीका ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का होता है, हमें तो जीरोस फाइंड करना है। तो एक काम करो, यहाँ पे एलसीएम देख लो कितना आ रहा है, 1, 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। हर एक टर्म को आप 4 से इंटू कर दो, 4 से इंटू करोगे तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा भाई। 4 से इंटू कर दो, हर एक टर्म को 4 से इंटू करना है, तो 4 दुनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8x² 4 से यहाँ इंटू करोगे तो 2 दुनी 4, 2 सत्ते 14x हो जाएगा। और जब आप इसको 4 से इंटू करोगे तो 3 आ जाएगा, है ना। हर एक टर्म को 4 से इंटू करो, इंटू करने पे ये आ जाएगा। ट्राई करो, सोचो अपने आप दिमाग में, 4 दुनी 8, 4 × 7/2, 7 × 2 = 14, 4 × 3/4, 4 से 4 कट हो जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। तो बाहर भाई जितना मैथ्स का रूल है, जितना आप मल्टीप्लाई करोगे उतने से डिवाइड भी करोगे, है ना भाई, मैथ्स का रूल है। तो 1/4, 1/4, अब क्या करेंगे, प्राइम यानी सॉरी एसी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 + 24, 8 + 24 भैया ऐसी दो संख्या गुणा करें 24 आ जाए और जोड़ने घटाने पे भाई 14 आ जाए, ऐसा कोई है भाई। 12 और 2 है, 12 × 24, 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा भैया। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8x² + 2x + कितना आ जाएगा, 12x + 3, राइट। फर्स्ट टू लास्ट टू में से कॉमन निकाल लो भैया, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2 × 8 = 4x + 1, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 × 8 = 12 और 3 × 1 = 3, भैया जो ब्रैकेट वाली टर्म है उसको दोबारा कॉमन निकाल लो, क्या करोगे, ब्रैकेट वाली टर्म को दोबारा कॉमन निकाल लोगे, यानी कॉमन आ रहा है, कॉमन आ गया बाहर, 2x + 3 क्या बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा, ये हो गया फैक्टराइज। जीरोज निकालना है तो एक बार 4x + 1 को 0 पुट कर दो, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, 0 के बराबर कभी हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू -1/4, और एक बार 2x + 3 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरीके के सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन नीचे दे रखा है भैया, 6 करके, इसके नीचे 1 लगा के सभी को 3 से इंटू कर लेना, ठीक है। तो ये वाला 6 और यानी फर्स्ट की तरह सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे, ठीक है, इट्स योर होमवर्क, डू योर सेल्फ। चलिए इसका आंसर जरा कमेंट करके बताना कि आपका क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। और करने जा रहे हम सेकेंड क्वेश्चन, क्या करने जा रहे हम सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज 4x² + 5√2x - 3। तो देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक है, वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यहाँ पे रूट की टर्म आ रही है। अब ये रूट वाले सवाल बड़े पेचीदे होते हैं, कैसे सॉल्व करें, फैक्टराइज करने की बात आ जाए फिर तो यू आर आउट ऑफ लक, ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है भाई, यानी 4x² + 5√2x - 3 दे रखा है हमें, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 को 4 को गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब भाई क्या किया जाए, इसको 5√2 को कैसे ब्रेक करें, कि ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और जोड़ने पे तो भाई ये आना ही चाहिए। अब इसको दो टुकड़े करने हैं, अगर मैं इसको देखूं 3√2 × 2√2, अगर 3 × 2 = 6 करता हूं, √2 × √2 तो ये 12 आ जाता है, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन भाई साइन में दिक्कत आ जाएगी क्योंकि पहला पॉजिटिव आ जाएगा और दूसरा नेगेटिव आ रहा है, तो भाई कॉमन तो आने वाला नहीं। लेकिन तो ऐसे केस में एक केस और याद आता है, वो है 6√2 वाला, ठीक है, 6√2 × √2 करो, यानी 6√2 × √2 12 आ जाएगा, और इसमें से इसको घटा दोगे तो ये 5√2 आ जाएगा। तो आपके फैक्टराइज कुछ इस तरीके से होने चाहिए इसके, तो यानी आप इसको क्या लिखोगे, 4x² 6√2x - √2x - 3, आप ऐसे करके लिखोगे। तो देखिए भाई हो सकता है कि आपके पास कई सारे ऑप्शन हो, ठीक है, जोड़ने घटाने पे हो सकता है कि 2 से ज्यादा आपके पास पेयर्स बन रहे हो, लेकिन जरूरी है कि दोनों पेयर ही करेक्ट हो, उनमें से एक ही पेयर करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, फर्स्ट और लास्ट टू में से कॉमन निकाल लो, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से अगर आप कॉमन निकालोगे, मैं अगर कॉमन निकालू, 2√2x कॉमन आ जाएगा।
अब ऐसा क्यों किया, 4 के फैक्टराइज 2 into 2, 2 को मैं फर्दर लिख सकता हूँ रूट 2 into में, रूट 2 into में 2, 6 के फैक्टराइज 3 into 2 into रूट 2, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, 3 into में 2 into में रूट 2, तो यहाँ पे देखो रूट 2 कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 रूट 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा बच्चों, ओनली रूट 2 बचा, रूट 2 एक्स, और प्लस में 3 बचेगा, माइनस में यहाँ पे माइनस 1 कॉमन निकाल लो, रूट 2 एक्स प्लस 3, है ना, फैक्टराइजेशन का रूल है, यानी पहले ब्रैकेट में जो आएगा वही आपका सेम सेकंड ब्रैकेट में होना चाहिए। अब ब्रैकेट वाली टर्म को आप कॉमन दोबारा निकाल लोगे भैया, है ना, इसको बाहर खींच लो, बचा क्या यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 एक्स माइनस 1 बचेगा, एक बार इसको जीरो पुट करो तो x की वैल्यू माइनस 3 बाई अंडर रूट 2, इसको जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई 2 अंडर रूट 2, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वाला सवाल, देखो ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े पेचीदे होते हैं, मतलब लगते हैं पेचीदे बट होते नहीं है पेचीदे, बहुत सिंपल सवाल है, ऐसे क्वेश्चन में आपके 90% जो ऐसे सवाल होते हैं जहां ब्रैकेट जैसी दो टर्म आ जाती है बीच में मिडल में, तो आप इस मिडल को ना ओपन कर दो, सबसे अच्छा तो यही है कि आप इसको ना ओपन कर दो, एस को अंदर इंटू कर दो, तो माइनस एस माइनस 2 रूट 2 एस प्लस रूट 2 लिख देना इसको, अब यहाँ पे फर्स्ट टू लास्ट टू में से कॉमन निकालो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से s कॉमन निकालोगे 2s माइनस 1 बचेगा, यहाँ से भैया रूट 2 कॉमन निकालो, नेगेटिव का निकालना, यहाँ माइनस है तो माइनस में ही निकालना कॉमन, सो 2s माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, सो ब्रैकेट वाली टर्म को आप पहले लिख लोगे 2s माइनस 1, बचा क्या s माइनस रूट 2 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है आ भी जावेगो, ठीक है, तो s की वैल्यू क्या आ भी जावेगो, s 1 by 2, और यहाँ पे s की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 2, यही इसके क्या है जीरोज है। लास्ट वाला क्वेश्चन और देख लो भैया, लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा दो क्वेश्चन रह गए ना, तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, y स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3y माइनस 15, है ना, अब ऐसे दो नंबर इंटू करें 15 आ जाए, प्लस माइनस करने पे 4 रूट 3 आ जाए, यहाँ पे तो 1 है, 15 इंटू 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, अब भाई 4 रूट 3 है राइट, 4 रूट 3 को आप क्या लिख सकते हो 5 रूट 3 और इंटू में रूट 3 कितना आ जाएगा भाई 15 आ जाएगा, 5 रूट 3 इंटू रूट 3 इज 15, और इसी में से अगर आप इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4 रूट 3 आ जाएगा, सो इट इज y स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 3y माइनस रूट 3y माइनस 15, फर्स्ट टू लास्ट टू में से कॉमन निकाल लो, यहां से भैया y कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 5 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये यहां से 1 कॉमन आ जाएगा माइनस का, तो ये भी क्या आ जाएगा, अच्छा माइनस का 1 नहीं, यहां से रूट 3 कॉमन निकालना माइनस का, तो यहाँ y बचेगा, जब यहां से 5 के फैक्टर करोगे तो 5 इंटू 3 तो 5 इंटू रूट 3 इंटू में रूट 3 करोगे तो भैया रूट 3 कॉमन आ जाएगा, तो y प्लस में क्या हो जाएगा अंड 5 अंडर रूट 3 बचेगा, ठीक है, अब ब्रैकेट वाले टर्म को दोबारा आप खींच के बाहर निकाल लो भैया, यानी कॉमन आ रहा है तो बचा क्या y माइनस अंडर रूट 3, तो एक बार इसको जीरो पुट करोगे तो y की वैल्यू माइनस 5 रूट 3, फिर इसको जीरो पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 3 आ जाएगी, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर है। अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है, कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताना एक कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर इसका क्या आ रहा है, ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं और क्वेश्चन जो आपके है इससे रिलेटेड, लेट्स डू इट। देखिए ये वाला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, सवाल है कि इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a आर a एंड 2 बाई a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। देखिए बहुत सिंपल सा आंसर इसका, अल्फा यहाँ पे a है और बीटा यहाँ पे 2 बाई a है, आप ऐसे सोचो आपका कॉन्सेप्ट यही है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी ए माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है लगभग हर सवाल में, ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है। देखो सिंपल सी बात है, अल्फा इंटू बीटा अगर मैं करता हूं इनको मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है सी अपॉन ए के बराबर होता है ना, दो नंबर का सवाल है ये, तो a इंटू में 2 बाई a किसके बराबर हो जाएगा, a इंटू में 2 बाई a c अपॉन a, c यहाँ पे 2a है और a यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दैट इज 2a बाई 1, तो भाई a से a तो कट गया और फिर 2 से 2 भी कट गया, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1 आ जाएगी, ठीक है, तो कितना प्यारा सा और इजी सा सवाल है, बस थोड़ी सी ट्रिक यूज करनी है। चलिए अब अगला सवाल करते हैं, चलिए 2013 का ये सवाल है, इसमें बोला गया इसके जीरोस फाइंड करने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो कैसे फाइंड करेंगे,
सबसे पहले आप एसी निकाल लो, एसी का मतलब 4√3 और √3 को इंटू करोगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा, 4√3 इंटू √3 12 आ जाएगा, 12 यानी कि ऐसे 12 के फैक्टर, 12 किस किस के टेबल में आता है भाई, 4 के टेबल में 3 पे आता है, 6 के टेबल में 2 पे आता है ना, और 12 के टेबल में 1 पे आता है। तो लेकिन हमें जोड़ने में क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो 6 और 2 को अगर आप जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन 8 यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए भैया, तो नेगेटिव के लिए -6 और -2 करना पड़ेगा। तो इसके जो फैक्टर होंगे मिडल स्प्लिट टर्म करके, तो 8√3x2, तो 8x को आप क्या लिखोगे -6x -2x+4√3। अब क्या करना है, फर्स्ट टू और लास्ट टू में से कॉमन निकालना है, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 3 लिख सकते हो, यानी 2 × √3 × √3 लिखोगे, 6 को क्या लिखोगे √3 × √3। तो देखो रूट थ्री तो यहां से कॉमन आ जाएगा, यानी 6 के फैक्टर ही हो गया, तो भाई √3 दोनों में ही है, तो भाई ये √3 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा x के साथ, या तो x बचा ओनली, और यहाँ क्या बचेगा, जब 1√3 बाहर आ गया तो क्या बचा 2√3, वो भी नेगेटिव का, यहाँ से बच्चों -2 कॉमन निकाल लो, तो x -2√3 बचेगा। तो देखो जो पहले ब्रैकेट में वही आपके दूसरा ब्रैकेट में होना चाहिए, इस ब्रैकेट वाली टर्म को आप दोबारा से कॉमन निकाल लोगे, यानी इनमें ब्रैकेट वाली टर्म कॉमन आ रही है, इसको बाहर निकाल लोगे, तो बचा क्या यहाँ पे भैया √3x-2 बचेगा। एक बार इसको जीरो पुट करोगे, एक बार इसको जीरो पुट करोगे, जब आप इसको जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू 2√3 आ जाएगी, जब आप इसको जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू 2/√3 आ जाएगी, है ना, बड़ा शानदार सा सवाल। तो रूट पे बेस्ड क्वेश्चन है और एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया है। देखिए जो अगला ये सवाल आप देख रहे हो बोर्ड पे, ये सीबीएसई में आ चुका है, 2016 में आ चुका है, ठीक है, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही सवाल है, मैं कराने वाला था बट मुझे पता था कि मुझे आगे जाके ये जो पीवाईक्यूज थे उसमें ये सवाल पूछा गया है, तो काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले पूछा है कि इफ हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है जिसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, यानी आपको बोल दिया अल्फा प्लस बीटा 6 है बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 9 दे रखा है, फिर बोला गया है हेंस फाइंड द जीरोस, उसके बाद आपको जीरोस भी फाइंड करना है। अब ये कैसे करें, चलो पहला वाला पड़ाव तो ये है, जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्मूला होता है x²-α+β(x+α)β होता है ना, तो यानी कि क्या आ जाएगा भाई x²-α+β 6 है तो 6x प्लस में 9 हो जाएगा, ये तो बड़ा सिंपली निपट गया। अब इसके कर दो मिडल स्प्लिट टर्म, यानी इसके फैक्टराइज कर दो, तो फैक्टराइज करोगे, जब फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा यहां पे, तो फैक्टराइज कर दो भाई इसके, तो यहां पर आप देख सकते हो भाई एसी कितना आ जाएगा 9 × 1 यानी कि 9 आ जाएगा। अब 6 ऐसी संख्या गुणा करें 9 आ जाए, जोड़ने घटाने पीछे आ जाए, 3 × 3 9 3 × 3 6 हो जाएगा, तो भाई इसका तो मिडिल स्प्लिट टर्म बड़ा इजीली हो जाएगा, ये तो आपका पहला आंसर है, तो x²-3x-3x+9 फर्स्ट टू लास्ट टू में से कॉमन निकाल लो बच्चों, x × x-3 यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, x-3 ब्रैकेट वाली टर्म को आप पहले लिख लो, बचा क्या x-3, एक बार x इसको जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू 3, इसको भी जीरो पुट करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 3, तो इसके जीरोस आ जाएंगे, ठीक है, क्या आ जाएंगे इसके जीरोस आ जाएंगे। सो देखिए अगला सवाल यहाँ पे, अब मैं आपको ना ऐसे बहुत सारे सवाल कराऊंगा एक साथ, 4-5 क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद ये इस तरीके के सवाल के आपके सिलसिले खत्म हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा 1/α 1/β की तरह सवाल होंगे। तो ये सवाल है बड़ा शानदार, 2012 में पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड में, m और n यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल है, ठीक है, तो पूछा गया है कि m/n और n/m की वैल्यू क्या होगी, तो m और n को इन्होंने अल्फा बीटा की जगह पे बोल दिया, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है m/n + n/m निकालना है, तो आप एक काम करो उसका एलसीएम ले लो, mn तो एलसीएम आ जाएगा भाई, दोनों डिफरेंट टर्म है तो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर क्रॉस इनटू कर दोगे, m × m क्या हो जाएगा m² और n × n कितना हो जाएगा n² हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके। अब देखो भैया α² + β² की मैंने शुरू शुरू में आइडेंटिटी बताई थी, 4 आइडेंटिटी लिखवाई थी मैंने आपको, तो α+β² - 2α × β, तो भैया वही आइडेंटिटी आप यहाँ पे यही वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज करोगे, सो दिस इज m+n² - 2mn / mn, इसको आप 1 कह दो। अब निकालो m+n और mn, सम ऑफ 0 -b/a और प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a, m+n α+β के ही बराबर है बेटा,
बी अपॉन ए, बी यहाँ पे कितना है 11, तो माइनस 11 बाई 3, सी अपॉन ए माइनस 4 बाई 3, सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो तो m अपॉन n प्लस n बाई m, ये इसके बराबर है, तो m प्लस n किसके बराबर है, माइनस 11 बाई 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू में माइनस 4 बाई 3, और नीचे क्या आ जाएगा mn, यानी कि माइनस 4 बाई 3, सॉल्व कर लो भैया, 121 बट्टे 9 और जमा में 8 बट्टा 3 और माइनस 4 बाई 3, 9 3 का एलसीएम भैया 9 हो जाएगा, और 9 को 9 से डिवाइड करो, 1 इंटू 121, 121 आएगा, 3 से 9 को भाग करोगे 3 किया 9, 3 8 24 हो जाएगा, और भाई डिवाइड में माइनस 4 बाई 3, इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 145, 145 बाई 9 इंटू माइनस 3 बाई 4, 3 किया 9 कटेगा तो मेरे ख्याल से कुछ और नहीं, तो माइनस 145 बाई 12 इसका आंसर आएगा, ठीक है, माइनस 145 बाई 12 इसका आंसर है। चलिए यहां पे दो सवाल मैंने लिखे हैं, पहला सवाल देखते हैं, फाइंड पी एंड क्यू, सॉरी इफ पी एंड क्यू आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पी और क्यू क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल का जीरो है, यानी अल्फा बीटा की जगह पी और क्यू बोल रखे उन्होंने, और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, फाइंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का आइडेंटिटी, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2pq होता है, अब पी प्लस क्यू क्या होगा, जो पी प्लस क्यू है यहाँ पे वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और पी क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे सी अपॉन ए हो जाएगा, माइनस बी यानी बी की जगह क्या पुट करोगे माइनस 7, तो 7 बाई 2, सी की जगह क्या पुट करोगे 3, 3 बाई 2 आ जाएगा, तो भाई ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 7 बाई 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 2 इंटू में पी क्यू की जगह क्या आ जाएगा 3 बाई 2 आ जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 49 बाई 4 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है, अब 4 एलसीएम ले लो, 1 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 4 एलसीएम 49 माइनस में 12, तो कितना आ जाएगा 37 बाई 4 आंसर आ जाएगा, ओके, इसमें हमें कंडीशन निकालनी है, ऐसी कंडीशन जिसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 बाई बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए इक्वल टू 1, तो भैया सी इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ पे ए के बराबर होनी चाहिए, यही इसकी क्या है कंडीशन है। सवाल देखिए 2015 में पूछा गया था और काफी अच्छा सवाल दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 कंडीशन दे रखी है, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो अल्फा इसकी हमें आइडेंटिटी पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 40, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है, ठीक है ना, अब माइनस बी अपॉन ए का मतलब भाई 6 बाई 1 हो जाएगा और C का मतलब K बाई 1 हो जाएगा, है ना, देखो यहाँ पे B कितना माइनस 6 है तो और A कितना है 1 है, तो माइनस 6 बाई 1 और K बाई 1 हो जाएगा, अब आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में K इक्वल टू 40, तो भाई 36 माइनस 40 बराबर 2K, तो भाई 2K कितना आ गया माइनस 4, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2 आ जाएगी, ओके तो भैया इस तरीके के सवाल आपको करने स्टैंडर्ड मैथ्स वालों एंड बेसिक मैथ्स वालों दोनों सुन लो कान खोल के, ठीक है, दोनों को ही स्टैंडर्ड बेसिक दोनों को ही इस तरीके के सवाल सॉल्व करने आने चाहिए, स्टैंडर्ड वालों को तो पानी है उनके लिए समझ लो, लेकिन बेसिक वालों को भी आना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, तो बच्चों अगला सवाल देखिए, अल्फा और बीटा यहाँ पे जीरोस दे रखे हैं, के की वैल्यू फाइंड करना है, हमें कंडीशन दे रखा है अल्फा माइनस बीटा क्या 9 है, दोनों तरफ आप ऐसे क्वेश्चन में हमें देखो अल्फा माइनस बीटा 9 है तो ऐसे क्वेश्चन में दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो पहले, तो आप तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करोगे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और इक्वल टू 81। अब इसमें लगाओ आप आइडेंटिटी इस वाले केस में, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है बेटा इसकी आइडेंटिटी लगाई इसके अंदर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 81। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई ए, बी यहाँ पे कितना है भाई माइनस 1 है, तो माइनस 1 अपॉन माइनस 1 यानी प्लस हो जाएगा भैया, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, सी यहाँ पे कितना है माइनस के है, ए यहाँ पे 1 है, तो माइनस के अपॉन में 1, तो माइनस के आ जाएगा,
तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह तो वन आ जाएगा, तो वन का स्क्वायर तो भैया वन, फोर इंटू में अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या पुट करोगे माइनस के पुट करोगे, तो प्लस फोर के हो जाएगा इक्वल टू 81, तो 4k की वैल्यू आ जाएगी भैया 80 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 20, ठीक है। तो ये सवाल कुछ इस तरीके से हल होगा। तो 2012 में सवाल पूछा गया था और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर डबल द डबल इन वैल्यू टू द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। भाई अब देखो जरा भाई इस सवाल को जरा, इसके जीरोज क्या है लेट कर लो भाई, इसके जीरो क्या है ए है और बी है, ये लेट करते हैं, ए बी क्या है इसके जीरोज है, ये जो ए और बी है और इसके जीरोज हम क्या लेट कर रहे हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा किसके जीरोज है 2x² - 5x - 3 के जीरो है और ए और बी x² + px + q के जीरो है, ऐसे हम लेट कर लेंगे। तो भैया जो ए है अल्फा का क्या है डबल है, ठीक है, बी भी क्या है बीटा का क्या है डबल है, ऐसे बोल दिया उन्होंने, ए और बी क्या है यहाँ पे डबल दे रखा है। तो भाई हमें पी और क्यू निकालना है। अब देखो ए प्लस बी किसके बराबर होगा 2α + 2β के बराबर होगा, है ना, यानी इसके सम ऑफ जीरो डबल ऑफ सम ऑफ जीरो हो जाएगा, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 2 कॉमन आ गया अल्फा प्लस बीटा। ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी होता है माइनस बी अपॉन ए, बी की जगह यहाँ पे पी यूज करोगे माइनस पी बाई वन, इसके लिए ए प्लस बी इसके लिए सॉल्व करोगे अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए सॉल्व कर रहे हो, तो बी यहाँ पे माइनस फाइव है ए यहाँ पे 2 है, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस फाइव अपॉन में 2, ठीक है, दोनों माइनस कर जाएगा तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे माइनस फाइव बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, दो माइनस करिएगा एक माइनस यहाँ पे बचेगा। अब इसी प्रकार प्रोडक्ट निकाल लो, ए इंटू बी क्या हो जाएगा 2α - 2β, तो भैया ए बी इक्वल टू 4α β, ए बी क्या होता है सी अपॉन ए होता है, इसका सी कितना है क्यू है, सो क्यू बाई 1, अल्फा इंटू बीटा इसका सी कितना है माइनस 3 है, तो माइनस 3/2, ठीक है, दो दुनी कितना हो जाएगा 4, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी माइनस 6 होगी। तो इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू सॉल्व करनी थी, ठीक है, यहां पे पी और क्यू की वैल्यू आ गई। अच्छा यहां पे ना एक काम हो, यहां पे 2 आएगा भाई, ये 2 रह गया ना हमारा, 2 भूल गए, तो भाई 2 से 2 कट गया तो 5 माइनस 5 आंसर आएगा इसका, माइनस 5 करेक्ट कर ले आंसर, ठीक है ना, माइनस 5 आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारे सवाल हैं और ये सवाल कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है, तो पी वाई क्यू जरूर करना, मैंने आपको हिंट दिए कुछ सवालों तक का, ठीक है, जितने सवाल हो सकते थे मैंने करा है इसमें, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर के साथ, जिसमें मैं आपको लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जांपलर और पी वाई क्यूज कवर करूंगा। इसमें मैं सारे पी वाई क्यूज कवर नहीं कर पाया हूँ, सीधी सी बात बता रहा हूँ, लेकिन आप जरूर करना, मैंने आपको उन क्वेश्चनों तक हिंट दिया है जिससे आपको आपको काफी हद तक हेल्प हो सकती है इन क्वेश्चनों से। तो गाइस मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।